Hey guys, हमने पुराना सेशन रिकैप कर लिया। अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमने गूगल एनालिटिक्स के जो टास्क है उन्हें कंप्लीट करना है। गूगल एनालिटिक्स के टास्क को कंप्लीट करने के बाद हमने जो इनसे डेटा निकालेंगे, उस डेटा की वजह से इनसाइट्स को यूज करते हुए डिसीजंस बनाने हैं। आप लोगों ने अज्यूम करना है कि आप लोग एक डिजिटल एनालिटिक एक्सपर्ट है। आपके पास कोई कंपनी आती है, कोई बंदा आता है, कहते हैं यार मेरे ये मसले हैं, इन मसलों का हल बताओ। उन मसलों को हल बताने के लिए आपके पास सिर्फ ये टूल अवेलेबल है, गूगल एनालिटिक्स का। अब उन मसलों को हल निकालने के लिए, उन मसलों को रिड्यूस करने के लिए, इशू क्या उसे निकालने के लिए हमें पहले उन्हें देखना पड़ेगा। चलो लेट्स गेट टू इट। पहली चीज हमने ये की थी, हमने ऑडियंस ओवरव्यू किया था। ऑडियंस ओवरव्यू के लिए हमने ऑडियंस पे क्लिक किया, उसके बाद हम ओवरव्यू में आ गए थे। असलम अब्दुल समाद भाई, वालेकुम आपकी वालेकुम सलाम। हम ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए होगी। आप काइंडली सर, परमिशन दे दें। मैंने तो परमिशन दे दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ से परमिशन सर। ओके थैंक यू। अच्छा गाइस, हम सबको ये पता है हमने कैसे लेके आई है। किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो सब बता दें। जी अब्दुल समाद। सर सॉरी, कल भी एब्सेंट था, वो तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी लेट आया हूँ। अगर सर एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए, तो एक दो तीन मिनट। श्योर, अभी हम ओवरव्यू की बात ही कर रहे थे। चले दोबारा से एक बार जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। आके भाई, आप क्लास में हैं? जी सर, कल की क्लास का जरा रिकैप देंगे जल्दी से, सर कल की आराम क्लास से में आराम हमने से देते, कोई मसला नहीं है, बट भाई को समझ आ जाए। ठीक है सर, कल की क्लास में हमने सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा के कौन कौन सी चीजें हमने अटेम्प्ट करनी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो थी, पांच ऑब्जेक्टिव आपने स्पेसिफाई करने थे किसी बिजनेस के लिए, कोई भी पांच स्मार्ट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करने थे। फिर उनके अगेंस्ट आपने KPIs लिखने थे। ये दो चीजें होगी, यहाँ तक क्लियर है सर? जी KPIs इससे पहले भी देखो, डिस्कस हो चुके एक होंगे, चीज मैं इनपुट करूंगा, स्मार्ट पांच ऑब्जेक्टिव लाजमी नहीं डिस्कस। है। आप लोग तीन से भी गुजार कर सकते हैं, चार से भी गुजार कर सकते हैं, पांच से भी कर सकते हैं, बट मैं मशवरा दूंगा आप सब तीन पे जाएं, क्योंकि उसमें गलती गुंजाइश कम हो जाएगी। बट आप पांच भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आप बाकी बाकी ठीक कह रहे हैं जी, प्लीज कंटिन्यू। सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उनके लिए हमने KPIs भी सेट करने हैं। फिर KPIs के बताना है कि हम किस तरह मेजर करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पे सर, AB टेस्टिंग। तो हमने AB टेस्टिंग की बात की थी कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं, आपने एक काम दो तरीकों से करना होते हैं। आप दो टेस्ट बनाते हैं, उनको चेक करते हैं कि किस टेस्ट का रिजल्ट बेहतरीन आता है। इसकी एक एग्जाम्पल कल की क्लास में रही थी कि एक हमने कन्वर्जन के लिए पेज बनाने या साइन अप लेने के लिए एक पेज में हमने चेंज कर ली थी कि उसका बटन छोटा होना चाहिए और दूसरे में बटन बड़ा करके हमने सेट कर दिया। दोनों पेजेस पर हमने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गूगल ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर के जरिए कि 50% ट्रैफिक एक पर जाए और 50 दूसरे पर जाए। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव यह था कि हम ज्यादा से ज्यादा साइन अप ले सकें, ताकि जो हमारे पास आ रहे हैं वेबसाइट पे, जो भी यूजर आ रहे हैं, वो हमारे नई प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम से पहले ले लें। तो हमने चेंजेस ये की, दो टेस्ट किए, एक में हमने बटन बड़ा रख दिया साइन अप का और एक में बटन छोटा रख दिया। अब इसके कुछ रिजल्ट आएंगे, वो गूगल एनालिटिक्स के जरिए ही हम देखेंगे कि किस पर ज्यादा साइन अप्स हुए, रीजन कौन सी थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए। इसके बाद पार्ट थर्ड में डेटा एक्सप्लोरेशन। अब गूगल एनालिटिक्स में से आप डेटा को किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले था कि ऑडियंस। अब यहाँ पे स्लाइड पे है, फ्रॉम द ऑडियंस ओवरव्यू रिपोर्ट सिलेक्ट ए 12 month टाइम पीरियड यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर। अब सबसे पहले तो ये अकाउंट आपको, डेमो अकाउंट आपकी क्लासरूम में मिल जाएगा, उसकी एक्सेस उधर से है। तो जब आप इधर आ जाएंगे गूगल एनालिटिक्स में,
तो यहाँ पे आपने ऑडियंस के आवर व्यू रिपोर्ट देखनी है, और 12 मंथ पीरियड के लिए आपने सारे डाटा देखने के, किस मंथ में आपके ज्यादा कन्वर्जन ज्यादा थी, बल्कि ये सारा आपको स्टेट्स बता रही हैं कि किस मंथ में कितनी कन्वर्जन है। इनके ऊपर आप जाके चेक भी कर सकते हैं, आपको नंबर्स फिगर्स दे दिए जाएंगे। फिर इसके साथ इसके नीचे आपने स्क्रीन शॉट लगाना है, स्क्रीन शॉट लगा लिया उसके बाद दो तीन चीजें आपने इसमें से ड्राइव करनी है कि नंबर ऑफ ऑडियंस किस मंथ में ज्यादा थे, किस मंथ में कम थे। तो और थर्ड चीज के इन में कोई ऐसी खास बात कि जिस मंथ में ज्यादा है, कोई खास रीजन के क्यों ज्यादा है, अगर आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं तो वो भी लिखना होगा। वेरी वेल पुट आके भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू जी। अब्दुल समाद भाई बताएं क्या क्वेश्चन है। सर हम गूगल एनालिटिक्स पे जब जाएंगे तो उसके लिए तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सॉरी वेबसाइट का हम ये ट्रैफिक कोर सारा देखेंगे ना, तो जो हमने प्रोजेक्ट करना है वो किसी भी बिजनेस रिलेटेड है, तो उस बिजनेस का अगर कोई वेबसाइट नहीं है या कुछ इस तरह नहीं है तो फिर ऐसे उसका गूगल एनालिटिक्स कैसे करेंगे। श्योर, मैं आपके क्वेश्चन आंसर करता हूं। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? जी सर। जी सर। ओके, तो आप जब प्रोजेक्ट दूसरा करने लगेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो अपने बिजनेस का आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर लें, या आप डेमो अकाउंट यूज कर लें। ठीक है, मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप लोग डेमो अकाउंट के थ्रू करें, उसके ऊपर आपको कोई इशू नहीं आएगा। अपना अकाउंट यूज करेंगे तो उसमें कई वजूहत हैं जिस वजह से आपके प्रोजेक्ट के आंसर्स गलत हो सकते हैं। अब डेमो अकाउंट कैसे एक्सेस करना है, ये डेमो अकाउंट यूज करने के लिए आप अपने पेज में जाएं, जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेज है उसमें गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वाले पे जाएं या इस पे जाएं, यहाँ पे ये आपके पास लिंक आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा इस तरह का। इसमें आपने थर्ड वाली जो है ना यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, इसको क्लिक करना है और आपको फिर ये डेमो अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं वो एक बार करके दिखा दूँ। ये आपने खोला, ये आपका गूगल का अकाउंट खुल गया, सॉरी डेमो अकाउंट वाला पेज खुल गया। इसमें हम नीचे आएंगे और जो थर्ड वाली है ना ये लिंक, इसको दबाना है। GA4 वाले को यूज नहीं करना क्योंकि इनका डेटा डिफरेंट है, इसका डेटा मैंने डेटा सेम है बट इनका वर्क करने का तरीका डिफरेंट है। हमने इस वाले का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वेब डेटा। ठीक है, अब समझ में आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, फिर इसमें आप आगे अपना काम शुरू कर लेंगे। ठीक है सर। ओके बडी। जी सर। अब सर और तो फिर जो सारे हमने जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इसी बिजनेस के रिलेटेड बनाएंगे, और वो KPI भी इसी बिजनेस के रिलेटेड बनाएंगे जो पेज हमने खोला है। यप यप, या बेसिकली ना अगर जेनेरिक तौर पे बात समझो, तमाम ई कॉमर्स जो एक ही पर्पस के लिए बनती हैं। ये इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक ये मेरा स्टोर है surprises.pk। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये गिफ्ट्स देता है। गिफ्ट्स कौन से है, केक, फ्लावर, गिफ्ट बास्केट, चॉकलेट गिफ्ट्स। ठीक है, एक और मेरा स्टोर है स्टूडेंट रिसोर्स, ये क्या कहता है, ये किताबें बेचता है, किताबें, नोट्स, पास पेपर। अब इन दोनों में कोई चीज सिमिलर नहीं है, दोनों के काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। एक किताबें बेच रहा है, कैलकुलेटर बेच रहा है, दूसरा जो है गिफ्ट बेच रहा है, केक वगैरह बेच रहा है। बट इन दोनों में जो चीज सिमिलर है वो इनका ई कॉमर्स बेस्ड मीडियम है। दोनों का काम है ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना। अब ऑनलाइन जब भी आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो आपके तीन चार मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऊपर आप जज करते हो। पहला मैट्रिक होता है सेल्स, आप कितनी सेल्स कर रहे हो, कितनी सेल्स आपकी महाना आ रही है, कितनी सेल्स आपकी सालाना आ रही है, आप सेल्स को किस तरह इंक्रीज कर रहे हो। तो पहला मैट्रिक सेल्स होता है। दूसरा मैट्रिक होता है ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट या आपके स्टोर के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, मंथली, वीकली, एनुअली। ठीक है, तीसरा मैट्रिक होता है आपकी सब्सक्राइबर्स, या जितने लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आप इन लोगों को बार बार अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। एक दफा बंदे ने आपको अपना ईमेल दे दिया तो जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आओगे, चाहे आप नया केक लेके आओ, चाहे आप नई किताब लेके आओ, आप उसे दोबारा ईमेल कर सकते हो, यार मैंने नई किताब लॉन्च की है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ लो, बहुत फायदा होगा इसमें, या मैंने कोई नया गिफ्ट बास्केट लॉन्च किया जिसमें मैंने 40% ऑफ कर दिया है, ले लो, बहुत फायदा होगा। अब बेसिक आइडिया सबका सेम है, सेल, ट्रैफिक एंड सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स, ये तीनों गोल्स पे सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। तो हम भी इसको एज्यूम करते हुए ना, हम अपने गोल सेटअप किए हैं। एक गोल हमने बनाया सेल्स का, एक गोल बनाया हमने अपना ट्रैफिक का, तीसरा गोल बना लिया हमने सब्सक्राइबर्स का।
और उसी एक गोल को लेके हमने फिर ऑब्जेक्टिव केपीआई और एबी टेस्ट भी बना दिया। ठीक है भाई, ठीक ठीक मतलब एक तो हमारा हो जाएगा सेल वाला, दूसरा सब्सक्राइबर, तीसरा ट्रैफिक, तो उसी हिसाब से फिर सर ये एनालिटिक्स हमें तीनों का बता सकता है। जी बिल्कुल, एनालिटिक्स में ना जो चीज आप उसने आपसे मांगी है वो खुद डिफाइन कर देता है आपको अपने क्वेश्चन के अंदर। मिसाल के तौर पे इधर उसने मुझे बताया क्या करना है, ऑडियंस ओवरव्यू रिपोर्ट में जाओ, 12 मंथ का पीरियड चूज करो, उस 12 मंथ के पीरियड के अंदर टाइम फ्रेम आए, सेगमेंट आए, मैट्रिक आए, एक्सेस वैल्यू आए। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे 12 मंथ पे सेटअप किया, यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ली और मेरा काम पूरा हो गया। सेगमेंट भी उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर मैट्रिक भी आ रहे हैं, उसके अंदर टाइम फ्रेम भी आ रहा है, उसमें एक्सेस भी आ रहा है। मैं पॉइंट गेट कर रहे हैं आप? ठीक ठीक जी सर, जी सर, बेहतरीन बेहतरीन। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। और ये इसका सर कब लास्ट डेट होगा वैसे? या इसकी लास्ट डेट अभी आई नहीं है, बट अब लोग इसे आराम से कर रहे हैं, बट आई वुड से कि वो कहते हैं ना, कट्टा जितना जल्दी आगे निकाल दो उतना आसानी होती है, जी तो जी जितना जल्दी से कम्प्लीट कर लोगे उतना आप लोगों के लिए आसानी होगी। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आखिर तक मौजूद हूँ, बट अगर आप लोग जल्दी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आई बी एबल टू हेल्प यू इन अदर थिंग्स। जैसे कि अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग में फंसा हुआ है, किसी की वेबसाइट डेवलपमेंट में कोई इशू आ रहा है, या कोई भी अगर रेलिवेंट इशू है, तो अगर हम लोग टाइम से पहले कोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं, तो आई बी एबल टू हेल्प यू इन द लास्ट सेशन विद रिगार्ड टू दीज थिंग्स, वरना हमारे जो आखिरी सेशन होंगे वो भी इसी से रिलेटेड होंगे। सर फिर इसको जल्दी खत्म करते हैं कि कुछ कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी कुछ कर लगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, जो आखिरी सेशन है ना वो एक्चुअली होता इसलिए है कि कोई भी बच्चे का सवाल है विद रिलेशन टू डिजिटल मार्केटिंग या ग्रोथ ना, तो हम हमारी होती है कोशिश कि हमने उस सेशन के अंदर उसके लिहाज से गाइड कर सकें ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए ना, तो इस लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट सेशन तक इसे तीनों प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट कर लें ताकि मसला ना आए। जी इजाज भाई, आपको कोई क्वेश्चन था? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सेशन वालेकुम माशाल्लाह काफी अच्छा गुजरा, बहुत कुछ नई सीखने को मिली है। क्वेश्चन बिल्कुल मेरा ये था कि ये प्रोजेक्ट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो कोर्स रिवीजन भी स्टार्ट है, पीछे पीछे देखते हैं अगर क्लियर ना हो तो। सर प्रोजेक्ट में एक वो मांग रही है न्यू सेगमेंट्स, मतलब कि आपके जो ऑलरेडी ये बने हुए है आल यूजर का एक ये सेगमेंट है, इसके साथ टेक्नोलॉजी बिहेवियर और दूसरा तीसरा क्या था वो, जी जी तीन हमने सेगमेंट बनाने हैं। सर काइंडली आप परफॉर्म कर सकते हैं कोई नई सेगमेंट काफी सर, इसको भी क्लियर हो जाए, क्योंकि अब मैंने ट्राई किया था तो वो उधर फिर जीरो जीरो आ रही है, सबके एनालिसिस में जीरो है, जिस तरह आज यूजर के नीचे लिखा हुआ है ना, मतलब कि इतने परसेंट का है या ये। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी जल्दी से दिखा देता हूं। विद रिगार्ड्स टू, अगर आपने सेगमेंट ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड सेगमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पर सेगमेंट ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं जितने ऑल यूजर्स हैं जो मेरी पेड ट्रैफिक है उनमें से लहदा करना चाहता हूँ, तो आई सिंपली राइट पेड हियर, और पेड ट्रैफिक आ गई है अगर आप लोगों को दिखाई दे ये वाली, मैं इसे साइड पर कर देता हूँ, ये पेड ट्रैफिक आ गई, मैं इसे क्लिक करूँगा और इसे अप्लाई कर दूंगा। अब क्या होगा कि मेरे ऑल यूजर्स और पेड ट्रैफिक यहाँ पे मुझे अलग अलग सेगमेंट पे शो होने लग जाएगी। आप लोगों को दिखाई दे रही है ये ऑल यूजर्स की आ गई, ये पेड ट्रैफिक आ गई है। Let me load this. जी सॉरी, अब आप लोगों को दिखाई दे रही है। लोडिंग में सर अभी स्टेप। जी अभी नजर आ रही है। जी हो गया। परफेक्ट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑल यूजर्स और पेड ट्रैफिक के सेगमेंट्स डिफरेंशिएट हो गए हैं, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 13.66 है। यहाँ पे अगर हम गो करें तो ये ऑरेंज लाइन शो कर रही है कि कितने पेड ट्रैफिक आ रही थी मेरे पास, और ये मैं शो कर रही है तमाम यूजर्स की ट्रैफिक। अगर हम नीचे चलें तो नीचे उसी तरह उसके पाई चार्ट्स बना कर दिखा दिए हैं, ट्रैफिक को डिफरेंशिएट कर दिया है हर लिहाज से। यही बात पूछना चाहते हैं इजाज़ भैया? जी सर ये तो क्लियर हो गया। अब वो जिस तरह प्रोजेक्ट 2 में टास्क है कि आपका दोनों सेगमेंट स्क्रीनशॉट में नजर आनी चाहिए, जिस तरह ये अभी आ रहे हमें अल यूजर फैट ट्रिपिक का, तो वो उसमें हम टेक्नोलॉजी का किस तरह ऐड करेंगे, या टेक्नोलॉजी के अंदर सब हम कोई भी एक सेलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके पुट कर लेंगे। श्योर श्योर, आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट।
मुझे एक क्वेश्चन रीड कर दें ताकि मैं बेहतर समझ सकूँ किस जी क्वेश्चन की जी बात कर रहे हैं जी आप। आई थिंक इस वाले की बात कर रहे हैं नहीं ये और नहीं, अच्छा नीचे नीचे बता दीजिएगा। नीचे नीचे जी सर। सेगमेंटेशन में हाँ, यही है अच्छा सर, अच्छा सही 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 यही है। ओके गुड। अच्छा तो अभी ना हम बाकी क्लास इस पॉइंट पे नहीं आई हुई है, अगर माइंड ना करे तो हम जब इस पॉइंट पे हैं तो तब मैं आपको समझा दूं ताकि बाकी बच्चों के ये चीजें ठीक है वैसे मेरे सर चार्ज कम था, मैंने सोचा कि ऐसा ना बीच में ना नहीं पड़े। नहीं कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं, हम चलो इंशाल्लाह इसको भी टेक केयर कर देंगे। हमने कोशिश करनी है कि आज के दिन थैंक में ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। ठीक है ओके गुड। अभी हम यहाँ पे थे गाइस, उम्मीद है यहाँ तक सब लोगों को कोई इशू नहीं होगा, सब लोग क्लास के साथ हैं। यहाँ से पीछे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लें अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, इसके बाद में आने वाली स्लाइड पे जाएं सर, एक सेकंड। इसके बाद ये वाली इसमें नहीं जी जी ऑडियंस, इसमें सर एक पॉइंट रह गया था, डू जी यू जी हैव एनी आइडिया ये वाला इसे भी हम सर्जन करना था ट्रेंड्स जी। आर स्पेसिफिक यप जी सर एग्जैक्टली इस पर। ओके। तो बेसिकली हमने ये बताना है कि व्हाई डू वी फील दैट दिस सर्टेन ट्रेंड्स जो हैं ये क्यों ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। अब ड्यू टू द रीजन कि ये जो मर्चेंडाइज चोर है ये हमारा नहीं है तो हम इसे 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकते हैं, बट हम एक अजम्पशन ले सकते हैं। नाउ लेट्स टेक द अजम्पशन वी कैन नॉट श्योरिटी। बट आई बिलीव दिस मे बी आखिर फेब्रुवरी में कितने दिन होते हैं पता है आपको? 29 दिन सर, ये 28 दिन लीप ईयर में 29 आ जाते। गुड गुड। तो फेब्रुवरी का जो महीना होता है ना वो 3 इयर्स कंटिन्यू ना वो 28 डेज का होता है, बाकी तमाम महीने जो हैं वो ज्यादा दिनों के होते हैं। तो हम ये असम्पशन ले रहे हैं चूंकि उस महीने में एक दो दिन कम है तो इसलिए उसकी सेल कम आई है, बट दिस इज जस्ट एन असम्पशन। ठीक है आप इसे लिख दोगे आई कैनॉट से विद श्योरिटी बट आई बिलीव दिस मे बी ड्यू टू द 28 डे मंथ इन फेब्रुवरी। ठीक है सर, हो सकता है। आप ये लिख के सेंड कर दोगे और आपका ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ दिस क्वेश्चंस मे सीम अ बिट ट्रिकी टू यू बट आप लोगों ने ना विद योर ओन नॉलेज पर्सपेक्टिव आपको जहां तक इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिहाज से बेस्ट अजम्पशन के लिहाज से सॉल्व करना होता है। रियल मार्केट में भी यही होता है, आपके पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है आपको उसके तमाम पैरामीटर्स नहीं पता होते हैं बट आपने अज्यूम करना होता है कि इस टाइम पीरियड पर ये हुआ होगा जिसकी वजह से ये एबीसी सेटअप हुआ है। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है हमने परसेंटेज डिस्प्ले करनी है ऑडियंस की, उसके लिए हमें क्या करना है? ऑडियंस में जाना है, मोबाइल में जाना है, ओवरव्यू में जाना है। ठीक है लेट्स डू दैट, लेट्स गो इनटू ऑडियंस एंड ऑडियंस की बात करना है। मोबाइल एंड ऑडियंस ओके। ये सब दोस्तों को समय में आ गया मैंने ऑडियंस मोबाइल ओवरव्यू में कैसे गया हूँ? नाउ वी कैन सी दैट ऑडियंस एंड मोबाइल ओवरव्यू हियर राइट नाउ। ठीक है यहाँ पे किसी को इश्यू तो नहीं है? नो सर, स्टिल अभी परफेक्ट तक कोई नहीं है। ओके। आगे हमें क्या करना है, हमने बाया मंथ का पीरियड चूज करना है, उस बाया मंथ के पीरियड की स्क्रीनशॉट लेनी है जिसके अंदर परसेंटेज पाई चार्ट्स हों तमाम यूजर्स के
जो मोबाइल डेस्कटॉप टैबलेट से आ रहे हैं, परसेंटेज देखनी है पे ट्रैफिक के साथ यूजर्स की जो मोबाइल डेस्कटॉप से आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो हमें सेगमेंटेशन की बात कर, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले की थी, वो कह रहा है कि तमाम यूजर्स को देखो, ऑल यूजर्स को, और पे ट्रैफिक को देखो मोबाइल डेस्कटॉप टैबलेट की। हम वही करेंगे, हमने यहाँ पे ऑल यूजर्स लगाए और यहाँ पे एक्चुअली हमने पे ट्रैफिक ऑलरेडी लगा दी है। मैं मूव पे दोबारा लगा देता हूँ, आपको एड सेगमेंट पे गए, आप एड सेगमेंट पे गए, यहाँ पे अपने पे ट्रैफिक लिखी, पे ट्रैफिक लिखने के बाद आपने इसे ऐड किया। अच्छा, ये मैं पे ट्रैफिक को क्लिक करूंगा, इधर अप्लाई करूंगा, पे ट्रैफिक ऐड हो जाएगी। बट अस्यूमिंग मैंने पे ट्रैफिक को नहीं देखना, मैंने देखना है कि कितने लोग जो हैं बाउंस कर गए हैं विद कंपैरिजन टू ऑल यूजर्स। तो मैं कैसे देखूंगा? बाउंस रेट टाइप करके सर। गुड। अच्छा अब्दुल कादिर, आप ये बताओ, अगर मैंने ये देखना हो कि कितने लोग जो हैं नए आए हैं तो कैसे देखूंगा? सर न्यू जो यूजर्स होंगे उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। शाबाश शाबाश। अगर मिस मधिया, मैंने देखना है कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, कितने लोग नहीं हुए हैं, तो कैसे देखूंगा मैं? सर ये कन्वर्टर्स को क्लिक करके। और अगर मैंने अक्सर भाई देखना हो कि डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी आई है, तो कैसे देखूंगा? जी सर, अगर मैंने देखना हो सर्च ट्रैफिक कितनी है, तो कैसे देखूंगा? तो सर्च ट्रैफिक सर्च कर लेंगे, वहां से फिर सब क्लिक कर लेंगे। शाबाश सर। जी अख्तर भाई। जी जी सर, आप डायरेक्ट ट्रैफिक। गुड। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना है, मैं देखना हूं कि कितने लोग आए हैं जिन्होंने कन्वर्जन की है, तो कैसे देखूंगा? ये सर रेफरल ट्रैफिक पे देखेंगे। ओके आबिद भाई, आप बताएं। कन्वर्टर्स पे क्लिक करें। चलो गुड हो गया, आई गेस आप सबको इसका बेसिक आईडिया हो गया। लेट्स कंटिन्यू विद पे ट्रैफिक। आई क्लिक ऑन पे ट्रैफिक, आई क्लिक ऑन अप्लाई, एंड व्हाट दिस विल डू इज दिस विल क्रिएट अनदर सेगमेंट ऑफ पे ट्रैफिक हियर, एंड आई हैव टू रिफ्रेश इट अगेन। परफेक्ट। ओके अब हम मोबाइल में आए, ऑडियंस में आए, मोबाइल में आए, ओवरव्यू में आए, हमने उसमें ऑल यूजर्स और पे ट्रैफिक को अलग अलग बांट दिया, ठीक है। नाउ व्हाट दिस वुड डू इज, इसमें मैंने क्या चीजें दिखानी है, डिवाइस कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ ऑल यूजर्स एंड पेड यूजर्स, टू पाई चार्ट्स शोइंग ब्रेकडाउन बाय डिवाइस। लेट्स सी,
आप सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है? जी सर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो चार्ट्स निकाल लिए हैं, परसेंटेज चार्ट्स, एक ऑल यूजर्स का, एक पेड ट्रैफिक का। ये हमने कैसे निकाला है, याद है किसी को? सर ये निकालने का अगर रिपीट कर ले तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली हमने जब ये सेगमेंट लगाया था, वो याद है आपको हमने कैसे सेगमेंट लगाया था? जी सर, एड सेगमेंट। गुड। सेगमेंट लगाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिवाइस कैटेगरी के नीचे हैं, यहाँ पे आप पाई चार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अल्लाह वाला के कंपैरिजन लगा सकते हैं। ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हमने पाई चार्ट चाहिए तो हम पाई चार्ट को क्लिक कर देंगे, परसेंटेज चार्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा, दो डिफरेंट सेगमेंट्स का। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चंस? यहाँ तो समझ आ रही सबको? हमें डिवाइस कैटेगरी शो हो रही है, लेट्स सी, डिवाइस कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है। सेकंड, क्या हमें टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, जो पेड यूजर्स दिखाई दे रहे हैं? जी सर। गुड। एंड थर्ड थिंग इज, क्या हमें दो पाई चार्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्रेकडाउन दे रहे हो बाय डिवाइस? लेट्स सी दैट। जी सर। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे जी जी बताए, फिर सारों का सेम आंसर आएगा ना, इसी के परसेंटेज डिस्प्ले ऑडियंस वाले, तो हर एक यही करेगा, इसी तरह करवाएगा, तो डेफिनेटली सेम आंसर आएगा, क्योंकि हम सेम ही डेटा को यूज कर रहे हैं ना। अगर आपको डिफरेंट आंसर आता तो ये गलत है। याद है बचपन में हम जब मैथ की क्वेश्चंस करते थे तो क्लास में एक तरीका देखने का ये होता था, जिसका आंसर गलत होता था ना, उसका आंसर डिफरेंट होता था। तो अगर सबका आंसर 6-6 आ रहा है, वो आपका आंसर फिश आ रहा है, आपका आंसर 25 आ रहा है, तो आपने मैंने कैलकुलेशन गलत की है। जी सर। तो सर इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ तो नहीं देनी पड़ेगी ना, बस सिर्फ जस्ट यू हैव टू नहीं, आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछते हैं कि ये आपने डेटा क्यों निकाला है या इसके पीछे वजह क्या, वो आपसे पूछेगा। और यह बहुत ही यकीन के इजी चीज है। कल के लेक्चर में बता रहा था, शायद आप थे, कि ये जो है ना गूगल एनालिटिक्स, ये रिक्शा गाड़ी या बाइक की तरह नहीं है कि आप इसे गलत तरीके से चलाओगे तो आपकी गाड़ी जो है खराब हो जाएगी या किसी को नुकसान पहुंचाओगे। अगर कंप्यूटर के अंदर, मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया ना, आप जितने पंगे लेते हो ना, जितना आप चीजों को खोलते हो, उन्हें एक्सपीरियंस करते हो, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो इसे में पंगे लो, जितने पंगे लोगे उतना ज्यादा जल्दी चीज को समझ के सीख सकोगे आप। जी सर। ओके ब्रो। अच्छा, अब कल इसकी हमने अब एक स्क्रीनशॉट बनानी है, और स्क्रीनशॉट बना के हमने वहां पे लगानी है। ठीक है, मैं जैसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट बनाने में आसानी हो। सर ये जो एक पाई चार्ट कट गया तो ये एक्सेप्ट करेंगे फिर? ये मैंने गंदी स्क्रीनशॉट बनाई है, आप लोगों ने इस तरह काम नहीं करना, हमने अच्छी वाली लेनी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने गंदी ही बनाई है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी वाली बनानी है। ठीक है, मैं ना एक्चुअली यार कोई इशू आ रहा है ब्राउजर के अंदर, मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ, उसके अंदर ना मैंने कोई 30-50 एक्सटेंशन किए हुए हैं। अब वो एक्सटेंशन जो है ना, ये एनालिटिक्स के अकाउंट को तंग कर रहे हैं, इस वजह से ये मसला आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ और दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दिया तो मैं दोबारा से सेशन क्रिएट कर देता हूं उसका। ठीक है सर, क्लियर है, समझ आ गई। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऑफ एक्विजिशन,
इस सेशन के लिए हमें एक्विजिशन में जाना है, चलो एक्विजिशन चलते हैं। एक्विजिशन भाई कहाँ है हमारे, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, ये एक्विजिशन आ गया हमारा। एक्विजिशन को क्लिक किया, उसके आवाज कट रही है सर। अच्छा सॉरी, अब आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने एक्विजिशन के अंदर जाना है, ठीक है। फॉर दिस सेक्शन इफ यू आर यूजिंग योर बिजनेस ब्ला ब्ला, तो आपने स्क्रीनशॉट बनानी है बाउंस स्टेट की 12 मंथ के पीरियड के ऊपर एक्विजिशन के चैनल के अंदर, ठीक है। चलें लेट्स गो देयर, लेट्स गो इनटू एक्विजिशन एंड क्लिक ऑन ओवरव्यू। ये एक्विजिशन है और ये ओवरव्यू है, मैं थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आप लोग देख भी सकें। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आ गया वाह, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने नीचे ये आ गया एक्विजिशन और ये आ गया ओवरव्यू। अब हमने यहाँ पे जाना है, ये सबको दिखाई दिया हम ओवरव्यू में कैसे किया एक्विजिशन। गुड गुड परफेक्ट, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, इस स्क्रीनशॉट के अंदर हमने क्या करना है, हमने 12 मंथ का पीरियड चूज करना है, हमने ये शो मेक श्योर करने के चैनल्स यूजर्स और बाउंस रेट शो हो रही है उसके अंदर इस बार मंथ के पीरियड के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इजाज भाई आपको मैं मशवरा दूंगा, मुझे स्लैक पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, ठीक है। मोहम्मद अब्बास भाई हैज जॉइंड आवर क्लास आई गेस। सर ये मैं हूँ सर, समद हूँ, यहाँ से मोबाइल पे स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही, तो मैं इसलिए यहाँ से देख रही हूँ। ऑल राइट, थैंक यू फॉर द क्लेरिफिकेशन समद भाई। अच्छा गाइस, एज यू कैन सी हम ऑलरेडी सेगमेंट में बांटे हुए हैं, हमारे ओल्ड यूजर्स भी हमें शो हो रही है, कौन कहाँ से आ रहे हैं, पेड ट्रैफिक भी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स डिलीट दिस सेगमेंट फॉर नाउ, ताकि हम इसे थोड़ा डिटेल में समझ सके। अब जैसे हम ओल्ड यूजर्स के सेगमेंट को समझते हुए इसको हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब आप में से मुझे बताएगा सबसे ज्यादा बाउंस रेट किसका है? डायरेक्ट का सर, सबसे ज्यादा बाउंस रेट डायरेक्ट का है, कोई और मुझे इसका आंसर देगा? सर डायरेक्ट से ज्यादा है। शाबाश, सबसे कम किसका है ये बताओ सर, एक सेकंड ये मैंने अपन कर दिया, सबसे कम किसका है बताएगा सर? रेफरल का, रेफरल का तो रहने तो यार वो तो बहुत ही कम है भाई, नहीं सर हाँ उसे रहने तो, वो जियो को हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो उसे रहने तो, बाकी के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऑर्गेनिक का फिर जी, ऑर्गेनिक का सबसे कम है। गुड आंसर, जैसे कि मैं बस की इनपुट ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये सब मेरे साथ रिवाइज करें, हम एक्विजिशन के चैनल में गए, सबको याद है? जी सर, हमने 12 मंथ का पीरियड सेट किया है ऑलरेडी। जी सर, क्या हमें उसे बाउंस रेट दिख रहे हैं? जी सर, यूजर्स दिख रहे हैं? जी सर, एवरीथिंग चैनल पे दिख रहा है। गुड, तो मैंने कहा ये वाला जो है हमारा काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें चैनल्स भी दिख रहे हैं, यूजर्स भी दिख रहे हैं और बाउंस रेट भी दिख रहा है, तो हम इसकी स्क्रीनशॉट बना लेंगे, ठीक है। जी सर, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन गो हियर, select this all area and come back here, click on this section and take this. Okay, ये सब दोस्तों को समय में आ गया, आगे चलें? जी सर, जी सर, क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट, चलो आगे उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द 12 मंथ पीरियड यू हैव सिलेक्टेड excluding direct and other, किनको नहीं हमें काउंट करना, डायरेक्ट को काउंट नहीं करना और अदर काउंट नहीं करना, which channels had the highest and lowest bounce rate
एंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट. ठीक है चलो इसको आंसर कहते हैं. पहले बताओ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाउंस रेट किसका था? डिस्प्ले का. गुड आंसर. द चैनल्स हाईएस्ट बाउंस रेट वाज डिस्प्ले. कितना है डिस्प्ले का बाउंस रेट भी बताएगा मुझे सर? 87.03%. शाबाश. तो हम इसे ब्रैकेट्स डाल देते हैं. ये ब्रैकेट्स वाला लिखना लाजमी नहीं होता बट हम इसलिए लिखते हैं ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए. ठीक है ठीक है. एंड क्या हमारा वो सर यहां एक क्वेश्चन है. जी जी प्लीज. ये ऊपर लिखा भी है ना एक्सक्लूडिंग ड्रैग एंड अदर सोर्सेज जो है और ये जो आपने लिखा शायद ये वो ड्रैग में आता है. सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई दोबारा बताते हैं. ये जो कह रहे हैं सर ना ड्यूरिंग द 12 मंथ्स पीरियड यू हैव सेलेक्टेड एक्सक्लूडिंग ड्रैग एंड अदर तो शायद ये हम 87 ड्रैग का डाल रहे हैं. काइंडली चेक कीजिएगा. देखें भाई ड्रैग ये वाला है अदर ये वाला. हम तो डिस्प्ले की बात कर रहे हैं. अच्छा अच्छा गेट कर रहे हैं हम. ये साथ भी हम ऐसा चले गए. बड़ी ये देखो ना उन्होंने कहा है कि अदर को नहीं देखना और ड्रैग को नहीं देखना ये कहा है ना उसने. तो हम ये डायरेक्ट इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे बाकियों को तो देख सकते हैं. समझ में आ रही भाई बात? जी सर समझ आ गया. मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट में कंफ्यूज है. चलिए गुड हो गया. जी आबिद भाई आप क्या कह रहे थे? ये जो डिस्प्ले है तो ये जो हम एड्स के थ्रू आते हैं किसी पेज पे वहां से एग्जैक्टली जो विजुअल एड्स होती हैं जो अक्सर हम किसी की वेबसाइट खोलते हैं साइट पे एड नहीं शो हो रही होती वो डिस्प्ले एड्स होती हैं. ठीक है चले चले हमें डिस्प्ले एड्स हमने लिख दिया. तो अब ये मुझे कोई बताए लेट्स से मिस मदी आप बताएं सबसे कम बाउंस रेट किसका है? सर ये डिस्प्ले का नहीं मिस इसका हमने अभी डिसाइड किया सबसे ज्यादा बाउंस रेट है. ये देखेंगे बाउंस रेट है ना. अच्छा ये बताएं बाउंस रेट होता क्या है? सर मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रही और क्वेश्चन भी नहीं करी जब तक मैं वो ना देखी. अच्छा ओके ओके नो वाइज. अख्तर भाई आपको तो बाउंस रेट क्या होता है? सर जो जो जितना वो विजिट करते हैं वो वेबसाइट को वो बाउंस होता है सर. वो आके बाप बताओ. सर जितने वेबसाइट को विजिट करते हुए वापस हो जाते हैं सर रिटर्न कर जाते हैं. ओके गुड. अब्दुल समद आप बताओ क्या कहते थे आप? यही के जितने आपके पास वेबसाइट पे विजिट आ जाते हैं लेकिन वो फिर बंद कर लेते हैं वापस हो जाते हैं चले जाते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली अ गुड वे ऑफ सेइंग इज पीपल हु कम टू योर वेबसाइट एंड बाउंस राइट अवे आ जाते हैं वो रुकते नहीं है ना वो लोग बाउंस कहलाते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने वेबसाइट विजिट की वेबसाइट ओपन होने में बहुत टाइम ले लिया मैं वहां से वापस चला गया हूं फौरन तो वो बाउंस हो जाएगा. जैसे आप गेंद को बाउंस करते हो ना दीवार पे मारते हो गेंद दीवार को लग के वापस कितने टाइम के लिए काउंट होता है ये अगर कि मतलब कितने टाइम में वापस चले जाए तो एक अच्छा सेशन जो होता है ना वो 30 सेकंड से अबव का होता है. 30 सेकंड से कम सेशन काउंट नहीं होता. अच्छा तो अगर 30 सेकंड से पहले आपकी वेबसाइट से चला गया लोड होने से पहले तो अब बाउंस कहलाएगा वो. ठीक है ठीक है. उस तरह पिंग पोंगिंग भी होती है एक टर्म और इस तरह दूसरी टर्म भी है बट बाउंस एक बहुत डेफिनेटिव टर्म है जो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है. ठीक है मिस. ओके यस सर. ओके मोहम्मद अब्बास भाई आप हैं हमारे पास? सॉरी अब्दुल समद. सॉरी अब्दुल समद आप बताओ यार सबसे अच्छा बाउंस रेट किसका है? सबसे अच्छा मतलब सबसे कम सर जी वो सर ऑर्गेनिक 33.2. गुड गुड तो लेट्स राइट इट डाउन द चैनल विद द लोएस्ट बाउंस रेट is what is it percentage of 33.33%. shabash
ओके गाइस, हमने पहला पार्ट इसका हल कर दिया। द सेकंड पार्ट इज कि हाईएस्ट लोएस्ट ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट किसका है। ये मुझे आबिद भाई आप बताए, ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट या ई-कॉमर्स में कन्वर्जन किसे कहते हैं? कि क्लाइंट है मतलब वो प्रोस्पेक्ट से हमारा कस्टमर बन जाए, वो परचेस कर ले। शाबाश शाबाश। वो कन्वर्जन रेट क्या होता है? के मतलब जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स डिवाइडेड बाय जो सेल्स होती हैं। वेरी वेल डन ब्रदर, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। तो इस लिहाज से हमारा जो सबसे अच्छा ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट है किसका है बताएंगे आप? जो डायरेक्ट है सर यहाँ पे 2.55%। बट हमने पहले डिसाइड किया था हम डायरेक्ट को नहीं देख रहे, याद है? जी सर बिल्कुल। हाँ तो उसके लिहाज से बताओ अगर उसे तो नाम काउंट कर। शाबाश पेट सर्च। और सबसे गंदा किसका है? जो एफिलिएट्स हैं सर उसको काउंट करेंगे, बाकी तो ऑलमोस्ट नन हैं, जीरो हैं। ये आप इसको काउंट कर सकते हो डिस्प्ले वाले को, क्योंकि लेस देन 0.01 है ना, तो आप इसे काउंट कर सकते हो। इसके पास अच्छी भली ट्रैफिक गई है बट ये जीरो मैंने लेस देन 0.01 है, तो आप इसे काउंट करेंगे। ठीक है, बाकी ये वाला आपका आंसर भी बुरा नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके पास कितने लोग गए हैं। 1000 इसके पास कितने लोग गए हैं? 27,000 ऑलमोस्ट। और उसमें से इसने कितने कन्वर्ट किए हैं? इसने 0.43% कन्वर्ट किए हैं, इसने उसका 0.01% भी कन्वर्ट नहीं किया। तो ये ज्यादा बुरा काम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? जी सर। गुड गुड। चलो अब आपने मुझे जुमला लिखवाना है, ठीक है? अब आप मुझे हेल्प करें, मैं इधर क्या लिखूंगा? The best conversion rate, yeah. जी, the highest e-commerce conversion rate. जी जी बताएं, आगे लिखूंगा। From direct उसमें नहीं था, देख लेंगे ना। जी सर, जो पेड सर्च है उसके थ्रू। शाबाश। 2.10%। गुड। ऑलराइट, मी राइट दिस इज अ पेड सर्च। क्या परसेंटेज लिखूंगा मैं? 2.01%। गुड। आगे क्या लिखूंगा मैं? वर्थ ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट is of display percentage yaad hai 0.01% less than 0.01%। theek hai buddy, less than 0.01% के उस 0.0% भी नहीं बल्कि उससे भी कम है, बट काउंट इसे इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पास अच्छी भली ट्रैफिक गई है। ओके बड़ी, ठीक है सर। शाबाश शाबाश। ओके, नाउ व्हाट डू दिस मैट्रिक्स मीन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? इस इन मैट्रिक्स को जरा डिफाइन करती है। गाइस जल्दी से क्विक क्वेश्चन टास्क कर लेते हैं। अब्दुल समद आप बताओ, एक्विजिशन में यूजर्स क्या होते हैं? सर यूजर्स हमारे पास जो पेज के आ रहे ट्रैफिक वो हमारे पास यूजर्स हैं। ओके ओके, अब्दुल कादिर अभी तो फिर न्यू यूजर्स कौन होंगे? सर जो पहली बार हमारी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे। शाबाश शाबाश। ओके आकिब आप बताओ बाउंस रेट क्या होगा? सर जिनकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, ज्यादा टाइम ले रही और वापस जा रहे हैं या बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट पे। गुड आंसर। अख्तर भाई आप बताओ सेशन ड्यूरेशन क्या होती है? सर सेशन ड्यूरेशन का मतलब है कि जो कस्टमर वेबसाइट पर आता है वो कितना टाइम वो उस पर लेता है वेबसाइट पर। शाबाश, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अब्बास भाई आप बताएं ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट से, सॉरी अब्बास कह रहा हूं, आबिद भाई आप बताएं कि ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट से क्या मतलब आता है? जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आए हैं उनमें कितने परसेंट कन्वर्ट हुए हैं, हमारे सेल हुई है उनको।
शाबाश साथ भाई, आप बताएं ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन जो पेमेंट्स होती है, पेमेंट के लेन देन। शाबाश। और रेवेन्यू? जो कमा जो अर्न किया होता है वो कंपनी ने। गुड, ओके। तो इसमें से आपको आई थिंक सब मैट्रिक्स की समझ है, ऐसे ही है? जी सर। ओके, इनको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से, एक सेकंड सर। ओके, इन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। सर भाई आप बताओ डायरेक्ट कौन सी लोग होते हैं, ये डायरेक्ट वाले कौन से लोग हैं? जो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट सर्च करके जो यूआरएल या उससे जो आते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। शाबाश शाबाश। आविद भाई आप बताएं पेड सर्च पे कौन होगा? सर जो हम सर्च पे मतलब एड्स वगैरह लगाते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके थ्रू जो कस्टमर्स आते हैं। ओके, अदस्मात आप बताओ पेड और डिस्प्ले में फर्क क्या है? सर में हमारे पास जो विजुअल एड्स होते हैं जो के डिफरेंट साइट्स पे हम डालते हैं, और पेड ये होते हैं सर के साइट पे हम अपने यूआरएल वगैरह दे दें और उसके पैसे हम दे देते हैं, वहां पे कोई क्लिक कर ले तो। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो पेड सर्च है ना, दिस इज आस्किंग अबाउट दिस। अगर आप गूगल पे जाके कोई चीज लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लॉयर इन न्यूयॉर्क, ठीक है, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया है, अब ये जो एड आ रही है ये पेड सर्च आ रही है, ये कौन सी है? पेड सर्च। हाँ, जो सर्च के अंदर आप पे करके एड शो कर रहे हो पेड सर्च है। बट अगर मैं कोई देखता हूँ फॉर एग्जांपल मैरिज ला का, मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैरिज ला का ब्लॉग है ये, मैं इस ब्लॉग को रीड करता हूँ, इस ब्लॉग के अंदर राइट साइड पर यहाँ पे कोई एड शो होती है, तो वो क्या कहते हैं, वो डिस्प्ले एड होगी। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? जी सर। वेबसाइट के साथ में इमेज भी हो जाए तो। हाँ जी, एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस वाले एरिया पे या ऊपर बैनर में या एंड पे फुटर पे एड शो हो रही होती है। जी जी। तो वो डिस्प्ले एड होती है, ठीक है। इधर मुझे कोई एग्जांपल नहीं दिखाई दे रही, मैं आपको वहां से दिखा भी देता जल्दी से। आपको तमाम मैट्रिक्स समझ में आ गई है ना? जी सर। अब आगे एफिलिएट्स का भी आपको आइडिया होगा, रेफरल का भी आइडिया होगा, अगर नहीं है तो पूछ ले वरना मैं इन्हें भी एक बार एडवाइस करवा दूं। तो रेफरल का जरा बता दें। श्योर श्योर। एक सेकंड, आके भाई आपने पूछे? मैंने सर। मैंने समद। अच्छा ओके, समाद भाई। ओके समाद भाई, एफिलिएट लिंक्स वो लिंक्स होती हैं जिनको आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आप उन्हें एफिलिएट फी एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर करते हो, रेवेन्यू शेयर करते हो। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार आप जाके अब्दुल समाद से बच्चों के कपड़े ले लो, ठीक है। हर दफा जब कोई बंदा आपके पास आता है शॉपिंग करने के लिए, वो कहता है यार मुझे मोहसिन भाई ने भेजा है आपके पास कपड़े लेने के लिए। आपको भी आवाज आ रही है? जी जी बताए। जी सर, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी सर। ओके, मैं एफिलिएट मार्केटिंग आपको समझा रहा था, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल या वाइट बोर्ड। जिस तरह Amazon में हम affiliate marketing करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। आप भाई assume कर रहे हैं कि एक पार्टी A है, ठीक है, एक पार्टी B है। A जो है वो एक काम करता है, B जो है दूसरा काम करता है। अब A वाला जो है वो फॉर एग्जाम्पल कपड़े बेचता है, ठीक है, Amazon का काम है। B जो है वो ब्लॉग चलाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्लॉग वाला एक वेबसाइट में अमेजोन का प्रोडक्ट बेचने की बात करेगा, वो कहेगा भाई अमेजोन से जाके आप कपड़े ले लो। तो हर वो ट्रैफिक जो बी से ए के पास जा रही है वो इससे जाके चीज परचेज कर रही है ना, तो अमेजोन क्या कहेगा, उस हर परचेज के ऊपर एक प्रॉफिट कमीशन का बी को दे देगा,
अच्छा सर, इसका भी हम जैसे कि हमारे पास ही यूट्यूबर्स लोग प्रमोशन कोड्स वगैरह बताते हैं कि ये थ्रू इसके थ्रू आप जाए तो प्रमोशन मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एफिलिएशन ही होती है, बट वो उन लोगों को उसका परफेक्ट शायद नाम भी मिला हो बट वो बेसिक एफिलिएशन ही कर रहे होते हैं। तो होता है कि यूट्यूबर्स को ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के तौर पे हंट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, उसके बदले में आपको ए बी सी एक्स वाई जी कोई चीज देंगे, वो प्रमोशन करते हैं, उस प्रमोशन के बदले में हमें सेल्स आ जाती है। इस तरीके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। कोई क्वेश्चन है एफिलिएट का भी, यहाँ समझ में आ गया आपको? सर समझ आ गई, रेफरल का जरा बता दे। और सर दूसरा क्वेश्चन जी जी, वो ऑर्गेनिक और डायरेक्ट सर्च में फिर क्या फर्क होगा? श्योर श्योर मैं बताता हूँ। अच्छा रेफरल जो है ना, इसमें आपको वो पैसे की या क्या कहते हैं प्रॉफिट मिलने के चांस नहीं होते हैं, ये दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस बेस्ड। मैं इसे अब एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आप एक के अंदर आपने दूसरे बंदे की सेटिंग की हुई है कि अब मैं तेरे पास जितने बंदे भेजूंगा ना, हर बंदे के सेल पर तुमने मुझे कमीशन देना है। दूसरे के अंदर वैसे ही भेजो यार, वो बंदा अच्छा है, उससे जाए काम करवा लो। ओके, एक एफिलिएट हो गया, दूसरा रेफरल हो गया। एग्जांपल समझ में ही आपको? यस सर, यस सर। गुड गुड, मैं कोशिश करता हूँ, मैं लिस्ट को रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। गुड गुड ओके। अच्छा दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि ऑर्गेनिक और डायरेक्ट में फर्क क्या होता है। जी जी, भाई ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, मैं उसे दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मैं गूगल पे यहाँ पे सर्च पे जाके लिखता हूँ ना सूफी डिजिटल .com और ये एंटर करता हूँ, तो ये मैं इस वेबसाइट पे डायरेक्ट गया हूँ। कैसे गया हूँ? डायरेक्ट। बट अगर मैं सर्च करता हूँ सूफी डिजिटल गूगल के ऊपर, या कोई भी मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ जिसके लिए मैं रैंक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, तो ये मैं ऑर्गेनिकली गया हूँ। मिसाल ले लो फेसबुक की, मिसाल ले लो गूगल की, मिसाल ले लो, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, आप उसका डायरेक्ट यूआरएल देके जा सकते हो। ऐसे ही है ना? जी सर, सर दराज की एग्जांपल ले लो, आप दराज खोलना, डायरेक्ट daraz.pk लिख देते हो इंस्टेंट के, पहले गूगल पे सर्च करो फिर आप आगे जाओ। अगर इसकी अपने एग्जांपल लेनी हो कि कोई लोकल ई कॉमर्स स्टोर, जिससे कि मेरा ई कॉमर्स स्टोर है spices.pk, उसके ऊपर जो लोग आना चाहते हैं वो पहले सर्च करते हैं बाय गिफ्ट इन लाहौर, फिर वहां से मुझे ढूंढते हैं, फिर वहां से मेरी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, फिर मेरी वेबसाइट पे आगे बाय करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक हो जाएगा। जी ओके ब्रदर। जी सर समझ आ गया। गुड गुड, अब हमने जो पीछे मैट्रिक्स में देखे ना, हम उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि ये चैनल ये काम कर रहा है, ये चैनल ये काम कर रहा है, आपने इन सब चीजों की ना एक समरी कुछ जुमलों के अंदर लिख देनी है। मैं ये सारी चीजें नहीं आपको करके दिखा सकता, बट आप लोगों को आइडिया कॉन्सेप्ट आ गया होगा आप लोगों ने कैसे करना है। समझ में आ गई आप लोगों को ना? जी सर। ओके अच्छा गाइज, मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं आपको ना एक एक स्टेप करके बता दूं, और इनके ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी बता दूँ, बट आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद पंगे नहीं लोगे, ठीक है? तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू जस्ट एक्सप्लोर दिस टूल, अलग अलग चीज़ें चेक करो, पंगे लो, कोई मसला नहीं है, खराब हो जाए कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने बस पंगे लेने हैं इसमें, ठीक है? दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे हम उनसे। ओके मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन का, पर्सनल डिस्प्ले कन्वर्जन। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने 12 मंथ का पीरियड चूज करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है प्रोडक्ट कैटेगरी की जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिक परचेजेस फॉर न्यू यूजर्स। क्या सेगमेंट है हमारा? न्यू यूजर्स का। और उसके अंदर हमने देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ परचेजेस यूनिक कहाँ से आ रही है। दूसरा हमने देखना है प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू न्यू यूजर्स के लिए, और उसकी स्क्रीनशॉट डालनी है। इसके अंदर ये चीजें होंगी, ठीक है? अब ये मैंने अभी आपको करके दिखाना है, बट हम एक छोटी सी वो करेंगे एक्टिविटी, आप सब लोग ये अपना एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट ओपन करें और ये करके देखें जरा, आप में से किसी को कोई इशू आता है जहां में मसला आता है बता दें, कर लेंगे आप लोग। जी सर चलें, ओपन करें अपना डेमो का अकाउंट।
आपकी एक्टिविटी के लिए आपको 15 मिनट दे रहा हूँ मैं। दो दिन पहले ही लैपटॉप खराब हुआ है सर। क्या आके भाई? दो दिन पहले ही लैपटॉप खराब हुआ है। यार चलो आके कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरनेट की एक्सेस नहीं था तो इसलिए मोबाइल फोन पे ही लेता हूं। ओके ओके बाकी दोस्तों को देख लेते हैं कर रहे हैं। रेडी टू मार्केट कॉन्सेप्ट्स यूडेसिटी माय प्रोजेक्ट डेमो अकाउंट कहां से मिलेगा? मिल गया डेमो अकाउंट नहीं हेल्प चाहिए सर। ये जरा दोबारा से ये बता दें कौन से प्रोजेक्ट पे कौन से उसमें सेशन सेक्शन में प्रोजेक्ट। ओके मेरा पेज दिखाई दे रहा आपको? जी सर। ओके डिजिटल मार्केटिंग नैनो डिग्री के अंदर है ना एक चैप्टर है मार्केटिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर जाएंगे वहां पे प्रोजेक्ट। हाँ जी उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे ना तो ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट ओवरव्यू है गूगल मर्चेंडाइज टू गेट स्टार्टेड एंड सबमिट प्रोजेक्ट। यहाँ तक पहुंच गए आप सर? कौन सा वाला है? गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वाला। गूगल मर्चेंडाइज स्टोर प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं और गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। जी सर आ गए इस पे। गुड आपने गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे क्लिक करना है। कर दिया? जी सर कर दिया। अब ये वाली लिंक पे क्लिक करना है आपने। थर्ड में क्लिक किया। जी सर क्लिक कर दिया। डेमो अकाउंट पे आगे खुल जाएगा। यहाँ पे आपने तीसरी वाली लिंक को क्लिक करना है, ये वाली यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को। कर लिया? ये कहाँ? नो सर वेट अ मिनट सर, ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। यस सर क्लिक कर लिया। शाबाश अब आपका ये वाला पेज खुल जाएगा एनालिटिक्स वाला। खुल रहा है सर। क्या शाबाश। पहली दफा खुलने में थोड़ा टाइम लेता है बट बाद में आपको इशू नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें आ गई सर, माय ईमेल कम्युनिकेशन वाली है, बहुत सारी 3-4 अंच कॉल एंड सेफ। घबराना नहीं है आपने, पहली बात पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है आपने, ठीक है? थोड़ा वो ओके आपने बस सिंपली जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी है ना इस वाले पेज ने, आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। वो कह रहा है बाम मत का पीरियड सेलेक्ट करो तो बाम मत चूज कर लो। वो कह रहा है कि आपने कन्वर्जन में जाना तो कन्वर्जन में चले जाओ। आपको सही बातें बताते हैं इसके अंदर, आपने उसकी बातें समझनी है वो करनी है, ठीक है सर? ये देखना था हमने, वेट अ मिनट, परसेंटेज डिस्प्ले कन्वर्जन ये कौन से उसमें आएगा सर? ऑडियंस में आएगा, एक्टिव यूजर में आएगा या जानो? ये देखो क्या लिखा हुआ है इधर, कन्वर्जन समझ रहे हो? सर देख रहा हूँ उसके पीछे फिर रहा हूँ, कन्वर्जन वाले के पीछे फिर रहा हूँ। कन्वर्जन कहाँ से लगता है मुझे? बेसिकली जो मैं आपको ये एक्सेस करवा रहा हूँ पंगे लेने के लिए करवा रहा हूँ। पंगे लो, आपको अपने आप मसले हल हो जाएगा आपका, ठीक है? कन्वर्जन मिल गया सर। कन्वर्जन तो उसमें तीन चीजें, गोल है, ई-कॉमर्स है, मल्टी चैनल फनल है। जी अबित क्या कह रहे हो? जो मेन हम साइड में आ रहे समझ भाई तो उसमें कन्वर्जंस हैं। कन्वर्जन पे मैं आ गया हूं ना सर, कन्वर्जन पे तो मैं आ गया हूं बिहेवियर के नीचे। कन्वर्जन के ऊपर मैं बिहेवियर के नीचे था कन्वर्जन। जी आ गया हूं मैं उस पे, तो उसको मैंने क्लिक कर लिया। फिर वहां से सर मजीद तीन चीजें आ रही है ना, गोल्स है, ई-कॉमर्स है, मल्टी चैनल फनल है। एक मिनट को मैंने आपकी तो हेल्प करता हूं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, आप लोगों को ढूंढने में थोड़ा आसानी होगी। ये मेरी स्क्रीन जब आपको दिखाई दे बता दीजिएगा। ठीक है सर, ये नजर आ रही है सर। आपका आंसर ना कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है? अब आप लोगों ने पंगे लेने हैं, वो पंगे लेके ना मुझे अगले 5-10 मिनट के अंदर ये निकाल के दिखाना सबने। यूनिक ये न्यू यूजर्स, उसके नीचे हमारे पास ओवरव्यू आ जाएगा। सर आपने जो स्क्रीनशॉट दिखाया था वो तो मुझे शो ही नहीं हो रहा मेरे अकाउंट पे, और मुझे सिर्फ लेसंस ही शो हो रहे हैं सारे। आप अभी अपने लैपटॉप के ऊपर हैं? नहीं सिर्फ फोन के ऊपर हूं। अच्छा क्या इशू है बताएं? सर मैं जब सर्च करती हूं वहां पर जब जाती हूं तो मुझे सारे लेसंस शो हो रहे हैं, मुझे वो आपने जो स्टार्ट में बताया था वो पेज शो नहीं हो रहा।
यार मिसपतिया टेंशन वाली बात नहीं है कि देखें जा आपको मैं ना अपने यहाँ से दिखाता हूँ आप यहाँ तक शो हो रहा है आपको यहाँ तक आपको शो हो रहा है जी सर यहाँ तक शो हो रहा है ओके यहाँ पे आपने इसको पकड़ के नीचे है यहाँ पे मार्केटिंग डेटा टेक्नोलॉजी शो हो रहा है आपको देखें सर ये शो हो रहा है बिल्कुल ओके इस पे क्लिक करें फिर इसमें नीचे है और यहाँ पे नीचे आके देखें आपको डॉट साइड फॉर मार्केटिंग डेटा शो हो रहा है सर मैं चेक करती हूँ जी देखें उस पे आ गया ना ऑडियंस ओवरव्यू वाले पेज पे कन्वर्जन पे आ गया हूँ मैं ना तो कन्वर्जन में सर पर मुझे तीन चीजें शो हो रही है एक गोल्स है एक ई-कॉमर्स और एक मल्टी चैनल फनल्स है इसमें किस पे क्लिक करना होगा एक सेकंड भाई मैं एक सेकंड आता हूँ आपके पास जी एक मिनट अल्लाह वला करे जी सॉरी अब बताएं सर जब मैं कन्वर्जन पे क्लिक आप अभी लैपटॉप के ऊपर हो ना जी सर लैपटॉप के ऊपर एक सेकंड मैं आपको होस्ट बनाता हूँ अभी अपनी स्क्रीन दिखाएं मैं फिर आपको देख के ज्यादा कुछ बता दूंगा ठीक है मैंने आपको होस्ट पे अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे होस्ट मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर हो जाएगी थोड़ा टाइम लगता है सर आपने होस्ट किसको कौन से अकाउंट को बनाया हुआ है सर नहीं अब नहीं अब्बास वाले अकाउंट को होस्ट बनाया ना वहां से मैं लैपटॉप पे हूं सॉरी अच्छा सॉरी सॉरी मैं कहता हूं मैंने अब्बास को होस्ट बना दिया जी सर स्क्रीन अब मेरी स्क्रीन कौन सी वाली शेयर होनी है ये हो गया शेयर सर अब आ रही है शेयर जी जी बेहतरीन जी सर तो इसमें सर मैंने कन्वर्जन पे क्लिक किया ना सर तो यहाँ ओके ठीक है तो कौन से आप एक सेकंड रुके सर आप सही तो है इशू क्या है कन्वर्जन पे आप आ गए हैं इशू क्या है अब ये समझा नहीं आपकी बात यहाँ पे सर ये कैसे देखना है ये न्यू यूनिक वाला वो सब कुछ ओके ओके देखें जरा अपना टास्क खोलें करना क्या आपने टास्क कहाँ से खुलेगा ओके ओके आप जाएं ड्राइंग साइट्स में ड्राइंग साइट्स यूडेसिटी जो लर्निंग यूडेसिटी वाला पेज है ना लर्न यूडेसिटी वाला पेज है पीछे यार लर्न यूडेसिटी वाला यार व्हाट्सएप के साथ जो है ये वाला अल्लाह के बंदे चौथे नंबर पे टैब है ड्राइंग साइट्स वाला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इसमें आप आओ अल्लाह बला के सबमिट प्रोजेक्ट में आओ सबमिट प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड पे चौथे नंबर पे ठीक है रुको रुको ऊपर आओ इसमें प्रोजेक्ट डाउनलोड करने वाला ऑप्शन होगा ऊपर ऊपर है ऊपर हाँ ये रहा इसको न्यू टैब में ओपन कर लो सर वो तो खुल जाएगा वो तो ठीक है लेकिन अब इसमें आप पहले रीड तो कर लो ना करना क्या है अच्छा सही सर मैं आता हूँ उस पे ये कौन से वाले में था हमारे पास यहाँ भी नहीं था डेटा एक्सप्रेशन नहीं था ऑडियंस भी नहीं था ये भी नहीं था ये भी नहीं सर मेरे ख्याल में सर ये गोल्स को करना होगा क्योंकि हमारे गोल्स यही है कि कन्वर्जन बढ़ानी है यब सर बट मैं चाहता हूँ वो खुद ढूंढे ना मैं नहीं उन्हें बताना चाह रहा इसलिए ये आ गया सर सामने गुड तो एक अब भाई इसे आप स्टडी करो क्या कह रहा है वो पहले क्या काम करना है आपने for this section if you are using on google analytics of data more during 12 period you have selected provide screenshot पहले इसने क्या बात किया 12 मंथ पीरियड की आपने देखो अब 12 मंथ पीरियड सेलेक्ट किया हुआ सर ये कहां से सेलेक्ट हो सकेगा अब यही बात है ना ये दिसंबर पे जाओ क्लिक करो राइट साइड पे दिसंबर 18 दिसंबर 24 हां अब आपने इसे 1 साल के लिए बनाना कैसे बनाओगे तो सर 2023 लगे बंदे 30 कैसे करेगा हां 21 शाबाश सही अप्लाई हो गया सर ये गुड मैंने कहा शायद फ्यूचर में भी देखने लग गए हो 2023 में जा रहे हो सर 2021 हो गया सर ये तो हो गया ना शाबाश आगे क्या कह रहा है वो रीड करो
दूसरा वो हमसे कह रहा है कि प्रोवाइड स्क्रीनशॉट दैट शो प्रोडक्ट कैटेगरी दैट कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिक परचेजेस ऑफ न्यू यूजर न्यू यूजर्स ठीक है अब सर वापस जाओ तो ये अब ऐड सेगमेंट मैटिक देखो सर हां सेगमेंट ऐड करके देख लो ऐड सेगमेंट न्यू यूजर्स न्यू यूजर्स ऐड हो गए सर अप्लाई करोगे तो ऐड होगा आपको आइडिया समझ में आ रहा है आपने किस तरीके से जाना है अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ आंसर को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा आप लोगों ने क्या करना है ठीक है मैंने ये एक्सरसाइज करवाने का मकसद था कि आप पंगे लोगे तो समझ आएगी आप लोगों को वरना इस तरह मैं आपको आंसर निकाल के देता दूंगा फायदा नहीं होगा ठीक है यस सर ओके लेट मी आप अभी शेयर करना बंद करें मैं आपको आंसर वाला पेज दिखाता हूँ शेयर स्टॉप हो गया सर ओके परफेक्ट ये आंसर आप लोगों का ठीक है ये आप लोगों ने मुझे निकाल के देना है देखेंगे आप लोगों को समय में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गो इसे देखना है इसमें हर चीज की बताया हुआ क्या क्या चीज आपने करनी है उसमें रेवेन्यू वर्सेस यूनिक परचेसेस और ठीक है रेवेन्यू वर्सेस यूनिक परचेसेस मैं इशारे करके थक गया हूँ आप लोग समझे तो नहीं ना दादी हमी कहती थी कि वो ना दादा बू को जब इशारे कर रही होती थी कि बेटे को ये कह दो वो कह दो तो दादा वो सुनते नहीं थे तो दादी हमी कहती मैं तो थकता मां मैं थक गई हूँ मैंने कहा मैं तो इशारे करके थक गई हूँ दादा वो सुनते नहीं है तुम्हारे तो आपका भी वही हिसाब है मैं आपको इशारे करके थक गया हूँ आप देखिए तो सही ना सर सर मैं देख रहा हूँ ये सर्च कर रहा हूँ ओवरव्यू पे जाएंगे ओवरव्यू में यूजर्स की जगह हम लेंगे क्या चीज रेवेन्यू वर्सेस रेवेन्यू तो इसमें है ही नहीं सर सर ये वाला तो इसमें है ही नहीं यूजर में अल्लाह के बंदे सर आप देख लेना मैं आपको दिखा दूंगा रखो रखो आप इस तरह को आप एक करो थोड़ी देर मैं आता हूँ पांच मिनट की देख लेके ठीक है let me see screen share कर दे सर साथ में समझ गई सर आपको नहीं बोल रहा ये समझ गई ओके सर ये देखिए ना ये मैंने लिखा ला है ना अब all user और new users है ना अब भाई हाँ ये all user मैं remove कर लूँगा नहीं हाँ remove कर लेते let's see यहाँ पे देखते हैं पंगे लेने वाली बात है तो सर पंगे ले ही लेते हैं अब देखिए ना सर यहाँ पे आ रहे हैं आपके सर यहाँ रेवेन्यू वगैरह आ रहा था मेरा यहाँ पे बहुत अजीब सी चीज आ रही है थर्ड नंबर न्यू यूजर्स वर्सेस एवरेज बाउंस रेट पेजेस यही है और कुछ नहीं है सर का क्या आ रहा था सर का आ रहा था रेवेन्यू और यहाँ रेवेन्यू ही है नहीं रेवेन्यू नहीं है अब क्या करेंगे सर आकिब भाई जी बिल्कुल नहीं नजर आ अब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे लेट्स सी ऑडियंस डेमोग्राफिक भी है एक्विजिशन में भी नहीं हो सकता और व्यू में बाउंस रेट यूजर नंबर ऑब्सेशन रजिस्ट्रेशन पर पेज यूजर्स वर्सेस सर का रेवेन्यू का दूसरे के साथ क्या था यूनिक वाला भी कुछ था ना यूजर्स तो हो गया ना लेकिन ये कैसे करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू ही नहीं आ रहा सेशंस सर वाला कहीं से मिल सकता है वैसे आकिब भाई आप हैं जी जी क्लास में हूँ देख रहा हूँ अभी फोन पे एक तो नजर भी नहीं आता है खुद भी ज़ूम कर सकता है इसको ज़ूम कर ले तो अगर कुछ हुआ तो देख रहा हूँ इसको ये रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा वही मैं देख रहा हूँ आप तो चलें फिर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है
फायदा मेरा कौन से काम का हो रहा है, ये वाला रिमूव कर लेते हैं, हम यूजर पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इंटरनेट पाकिस्तान में इतने तेज है कि बस ये यूजर्स वर्सेस जैसे करेंगे यूजर वर्सेस तो मिल ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, कितने लोगों का हो गया, कितने हो गए हैं? टाइम खत्म हो गया, वो चीज नहीं मिल रही सर, वो न्यू यूजर तो मिल गया यहां पे उसका रेवेन्यू। ओके ओके, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं करवा देता हूं, इशू नहीं है। मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, नाम जी बता दीजिएगा जब देख सकें आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ओपन। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया, आप कर रहे हो, परफेक्ट। अच्छा मैं स्क्रीन दिखाई दे दी आप लोगों को सर? यस सर। अच्छा ये यहां पे न्यू यूजर दिखाई दे रहे हैं, ई-कॉमर्स की नीचे मिला है कन्वर्ट जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ई कॉमर्स के अंदर न्यू यूजर्स में जाएं, वहां पे रेवेन्यू यूनिक पैकेज सेटअप करें। हो गया सेटअप आप सबका सर? वेट, ई कॉमर्स पे जाएंगे और क्या करेंगे? ई कॉमर्स ओवरव्यू में जाओगे वहां पे आप? जी सर मैंने कर लिया। शाबाश शाबाश, सॉरी मैं देख लूं। आबिद भाई आपने किया? अच्छा आप समझ आ रही है सर, रेवेन्यू वर्सेस परचेसेस। मियां पे शाबाश, गुड जॉब आके भाई। ऐसे आबिद भाई ये मियां जो है आप सबको व्यू दिखाई दे रहा है? जी सर। गुड, अब अब्दुल समाज रीड करो, क्या क्वेश्चन था, हमने क्या ढूंढना था? ओके सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हमें एक ढूंढना था कि हमारे पास एक आ जाए जो उसके न्यू यूजर सेगमेंट का ना था सर, सॉरी इंग्लिश में, इंग्लिश में रीड कर ले प्लीज। Okay, during the 12 month period, you have selected provider screenshot that shows the category that contributed the highest number of unique purchases of new product category that was एक सेकंड, हमने एक देखना है कि यूनिक परचेसेस सबसे ज्यादा कहां से है, ऐसे ही है? यस सर। दूसरा हमने देखना है रेवेन्यू कहां से है, ऐसे ही है? जी सर। देखना हमने न्यू यूजर्स का है, ऐसे ही है? जी सर। टाइम पीरियड हमने 12 मंथ का चूज करना है, ये भी ऐसे ही है? जी सर। गुड, अब हमने क्या कैटेगरी देखनी है सबसे ज्यादा कहां से आई है, तो ये प्रोडक्ट पे भी है, तो क्या ये सही है या मैं इसे कैटेगरी पे क्लिक करूंगा? कैटेगरी, कैटेगरी पे जाएंगे जी। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमने कैटेगरी चूज कर ली है तो अब हमें कैटेगरी के लिहाज से शो कर रहा है। अगर उसने कहा तम सार के तौर पे कि मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है, तो हम क्या कहते? फिर हम सर सिर्फ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। गुड गुड, एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? जी सर। गुड गुड, अगर उसने कहा होता कि ब्रांड सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है, तो हम फिर ब्रांड को चूज कर लेते, ऐसे ही है? जी सर। गुड, मैं इसकी स्क्रीनशॉट बना लूं? जी सर। ओके हमने स्क्रीनशॉट के अंदर क्या क्या दिखाना है, न्यू यूजर सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरीज, यूनिक परचेसेस और रेवेन्यू। क्या न्यू यूजर दिखाई दे रहा है उसके अंदर? प्रोडक्ट कैटेगरीज शो नहीं है उसके अंदर? उसके लिए अलग स्क्रीनशॉट ये वाली चीज ऐड करनी होगी हमें ना, ये वाली, ठीक है। उसके लिए हमने इसके अलावा यूनिक परचेसेस शो करनी है, यूनिक परचेसेस शो हो रही है हमारी? अल्लाह के बंदे ये देखना, ये यूनिक परचेजेस है, नहीं समझा? जी सर, ये देखना समझ आ गया। ये लाइट ब्लू वाला है ना, ये यूनिक परचेजेस वाला, जो डार्क ब्लू वाला है वो रेवेन्यू वाला है, तो ये जहाँ पे लाइट है ना, तो मैंने कि ये हमारी यूनिक परचेजेस हुई है। ओके भाई,
गुड हो गया जानी, मैं ना इसकी स्क्रीनशॉट दोबारा से बना के उधर लगा देता हूँ, हमारा ये वाला टास्क भी कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ तक सब दोस्तों को समझ में आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? नमस्कार, गुड हो गया, गुड हो गया। देखो स्क्रीनशॉट बना लेते हैं जस्ट टू बी सेफ, ये वाला आईडी भी ऐड कर देते हैं। ये हम सब दोस्तों से मैं मैंने क्या किया था जी सर। गुड, आगे चलते हैं। आगे हमने कंपैरिजन डिस्प्ले करना है बिहेवियर का। हमने क्या करना है, ट्रैफिक देखनी है तमाम यूजर्स की स्टार्ट से लेके एंड 12 मंथ के पीरियड के अंदर। कंपैरिजन करना है हमने साइट की स्पीड, पेज टाइमिंग का, टॉप 10 पेजेस के लिए पेज व्यूज के ऊपर डिपेंड करते हुए। कर लेंगे या करके दिखाऊं? सर कर लेते हैं। बहुत ही यकीन को जैसे मजबूर करके खवाया जा रहा ना काम, उसका कह रहे हो। अब पता था करना, अब आपसे सीखना था सबको, इसलिए वो बीचने से बन के कर। ओके ओके गुड। अच्छा यार सीन पता क्या है, वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं जितना ज्यादा आप लोगों को इम्पार्ट कर सकूँ ना उतना करवा दूँ। ये चीजें मैं अगर आपको खुद से करके दिखाऊं ना जल्दी हो जाएंगी, कंसिडरेबली बहुत जल्दी हो जाएंगी, मैं जल्दी करके आगे करवाई जाऊं। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को ना एक एक चीज खुद से करनी आनी आ जाए, ताकि बाद में ना वो खुद उसके स्किल को यूज भी कर सके। क्योंकि अगर मैं एक बार को करवा के दे दूंगा तो वो छोड़ दूंगा ना, आप लोग दोबारा कभी भी इस पे पंगे लेने की कोशिश नहीं करोगे। ये भी सही है सर, बिल्कुल। ये कंपैरिजन डिस्प्ले में सर इसमें देखेंगे, अच्छा बिहेवियर में देखेंगे। बिहेवियर में जाओगे आप, उसके अंदर जाके कंपैरिजन करोगे, ठीक है? वहां पे ऑप्शन होता है कंपैरिजन करने का। सिंपल स्टोरी ये है कि आप लोगों ने पंगे लेने हैं, ठीक है? पंगे लो, मसला हल हो जाएगा आपका। जी सर, ओके सर, ओके। कर लेंगे इसको सर। चले करें फिर, वेट कर दो मैं आप लोगों का। ओके सर, ट्राई करते हैं इसको। आप लोगों में बस 10 मिनट हैं, जितना ज्यादा जल्दी कर लें उतना बेहतर है। Please provide a comparison report. Please provide a comparison report of. Page reviews का तो या किसी Oh.
गाइस कोई कहीं पे पहुंचे, किसी को हेल्प चाहिए? सर ये एक जगह तो पहुंच गए, पेज व्यूज वर्सेस एवरेज पेज लोड टाइम तक अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी। सर ये पेज टाइमिंग्स तो हमने निकाल लिए सर, एवरेज भी दिखा रहा है, 10 पेजेस की भी दिखा रहे हैं। शाबाश, इशू क्या फिर? सर इशू तो कोई नहीं। चलो ठीक है, गुड जॉब अब झुका दे। 10 पेजेस का सर जरा कर। ओके 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 आई गेट इट नाउ। ओके बिल्कुल, बाकी पंगे की बात होती है तो तो भी वही ना सर, वही ग्लैड कि आप सब लोग इसे ट्राई आउट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अकॉम्प्लिशमेंट इन इटसेल्फ। आप लोग जितना पंगे लेंगे उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि यू गाइस आर एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग टू लर्न इट ऑन योर ओन। अच्छा आई गेस ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई है कि आप लोगों ने कैसे डेटा को खुद से फाइंड आउट करना है, पंगे कैसे लेने हैं। आगे चले या इसके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत है हमें? नो सर, आगे चलते हैं सर। आगे चलो सर। अच्छा अब्दुल कादिर एक बात बताओ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर। जी सर। ये मैंने शेयर स्क्रीन की है, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी इट। ओके जी सर, नजर आ गई है किस तरह से। गुड ओके नाउ हमने इन चीजों को नोटिस किया था कि टर्म ट्रेंड पेजेस कौन से पेज व्यू में है, एवरेज पेज लोड टाइम क्या है। इन चीजों को देखते हुए इशू क्या आ रहा है आपके ख्याल में? व्हाट इज द थिंग जो कि पेज लोड टाइम में, यानी कि मसले क्या आ रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर? सर ये लोड टाइम तो सर ये एक होम पेज का ज्यादा आ रहा है सर, और दूसरा ये सर्च का है सर, और ये रीडिजाइन। वेरी गुड। ओके नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस। आपने बहुत अच्छा वेल पुट वेल डिफाइंड आंसर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपके ख्याल में लेट्स गेट टू मदीहा इकबाल। मिस मदीहा आप हमारे साथ हैं? जी सर मैं साथ हूं। मिस मधिया ये बताएं कि एक वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेज कौन सा होता है? तो पता नहीं। अच्छा आबिद भाई आप बताएं, एक वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा पेज होता है?
उसका सर लैंडिंग पेज के वो कितना अट्रैक्टिव है और बाउंस रेट उस पे डिपेंड करता है फिर। गुड गुड ओके तो अल्लाह वाला के अब्दुल कादिर भाई आपने बताया कि सबसे अच्छा जो लोटी जी 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 बताएं। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। असल में सर यहां पे लाइट सो ये आपकी आवाज कट गई है सर, जो लैंडिंग पेज होते अभी आ रही है आवाज जी अब आ रही है सर। यहां पे लाइट नहीं और सिग्नल्स जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो गए हैं तो मैं मोबाइल का नेट यूज कर रहा हूं इस वजह से। ओके ओके अच्छा मैं जो पॉइंट रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था अब्दुल कादिर भाई आपने समझाया कि इनका लैंडिंग पेज जो है वो उसका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड उसका अराउंड 54% है नेगेटिव में। ऐसे जो लैंडिंग पेज होता है तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यप एग्जैक्टली तो आपका जो होम पेज होता है ना इट्स लाइक द व्हाट्स इट फेस ऑफ द होल वेबसाइट। अगर आपका लैंडिंग पेज या होम पेज जो है उस पर लोड होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है या उसकी परफॉर्मेंस गंदी है तो लोग आप बाकी वेबसाइट को देखने में पसंद करेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेज। अगर आप इसी पे लोड होने में इतना टाइम लग रहा है ना तो लोग बाकी जगह देखना जाएंगे नहीं ओके यार इस पर इतना टाइम लगा बाकी पेजेस से आप खुलेंगे। और आम तो सबसे पहले जो पेज खुलता है ना आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज या होम पेज ही खुलता है ऐसे ही है। तो एक ये मसला हमें दिखाई दे रहा है कि होम पेज में बहुत टाइम लग रहा है। दूसरा मसला ये दिखाई दे रहा है कि इसका सर्च जो है ना जो सर्च वाला ऑप्शन है वो बहुत टाइम ले रहा है। जी सर 38% समथिंग ऐसे ही अब्दुल कादिर भाई सर वो भी सर्च बहुत टाइम ले रहा है। हां जी उसकी वजह ये भी हमें तंग करेगा क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप सर्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट लोड होने में इतना टाइम ले रहा है तो वो कहेंगे यार इसके पास प्रोडक्ट है नहीं वो आगे चला जाएगा ऐसे ही है। तो ये दो बड़े मसले हैं जो कि अभी तो आइडेंटिफाई करके लिखेंगे सर। इसमें तो लैंडिंग पेज की वजह से तो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है सर अगर वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। यप डेफिनेटली डेफिनेटली सर इसके साथ आपके गए थे साथ इसका अगर ये डिजाइन वाला हम देख ले वो भी ऑलमोस्ट इसी के अराउंड आ रहा है डिजाइन अपीयर वाला अप्रैल वाला रीडिजाइन वाला तो आप इन पॉइंट्स को अपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको हायर किया मैंने आपको हाय इसलिए किया ताकि आप ये मसले ढूंढो मुझे बताओ ये क्या मसले आ रहे हैं इन्हें मैं कैसे ठीक करूंगा। ठीक है तो समझ रहे हो आप योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई एनी ट्रबल स्पॉट्स रिलेटेड टू स्पीड पेज टाइमिंग्स। ठीक है ये आपको मैंने टास्क दिया था उस टास्क को हल करोगे। ओके गॉट इट चलें उम्मीद है आप सब लोगों को यहां तक पार्ट 3 की सब समझ में आ गया होगा। यहां तक पार्ट 3 पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लें अदरवाइज हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। No, sir, no questions. Perfect, perfect, guys, part four is just like part three, bus isme ye ki hame thoda sa customization karenge hum, theek hai, segmentation ke andar customization karenge, and let's get to it. Ab misal ke taur pe usne hame kaha hai ki segmentation helps provide clarity, insight and confidence in data by making it more specific and actionable. Humne identify karna hai three different audience segments ko, all users ko. और उनके अंदर हमने तीन कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं। ऑडियंस डेमोग्राफी में कस्टम सेगमेंट क्रिएट करेंगे हम, एक कस्टम सेगमेंट क्रिएट करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, हम एक सेगमेंट बेस्ड करेंगे यूजर बिहेवियर के अंदर। फिर इनके हम स्क्रीनशॉट्स बनाएंगे और उन्हें हम इनपुट करेंगे। जी सहमत क्या कह रहे थे आप? नो सर नथिंग सॉरी। ओके नो वरीज। अच्छा तो हमने इधर तीन कस्टम सेगमेंट्स बनाने हैं ना, तो क्वेश्चन इसके कस्टम सेगमेंट बनाते कैसे हैं इस चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं। पहला कस्टम सेगमेंट बनाना है हमने डेमोग्राफिक्स का। डेमोग्राफिक्स के अंदर हमने व्यू क्रिएट करना किस चीज का, ऑल यूजर्स में जाके और उस कस्टम सेगमेंट को हमने इधर डालना है। अच्छा अदर से स्टडी करते हैं। दूसरा हमने बनाना है टेक्नोलॉजी का, वो हमने इधर डालना है ऑल यूजर्स के अंदर से निकाल के। तीसरा हमने बनाना है यूजर बिहेवियर का, वो उसे हमने इधर डालना है। चलो मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, बाकी के दो आप खुद ऐड कर लीजिएगा। सर यूजर बिहेवियर को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेने दोबारा सर। या श्योर डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा पहले एक मैसेज है ओके कोई बात नहीं आबिद भाई। अच्छा तो पहला काम ये हमने कहाँ जाना है इस बात को एक्सप्लोर कर ले, हमने जाना है ऑडियंस ओवरव्यू के अंदर। ठीक है वहाँ चलते हैं ऑडियंस ओवरव्यू में के चले।
दूसरी बात वो कह रहा है कि हमने ओल्ड यूजर्स को कंपेयर करना है और उसका जो कस्टम सेगमेंट होगा उसके साथ, ऐसे ही है तो हम इसे सेट कर लेते हैं ओल्ड यूजर्स के ऊपर। ओल्ड यूजर्स को क्लिक किया हमने, यहाँ पे हम इसे ओल्ड यूजर्स को क्लिक करेंगे, इसको निकाल देंगे और इसे हम अप्लाई कर देंगे, ये ओल्ड यूजर सेट हो जाएगा। यहाँ ये बात समझ में आ गई सबको कि ओल्ड यूजर्स से हम वापस कैसे आए हैं। ओके ना नेक्स्ट थिंग इज कि हमने कस्टम सेगमेंट बनाना है। कस्टम सेगमेंट बनाने के लिए हम ऐड सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, आप इस वाली जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे एक स्टेप मैं मिस कर दूं, मैं आपको दिखा देता हूं करके। आप सबको मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? जी सर नजर आ रहा है। ओके गुड, अच्छा अब ऐड सेगमेंट पे जाएंगे हम। ऐड सेगमेंट में ना हमने एक न्यू सेगमेंट क्रिएट करने हैं, कस्टम सेगमेंट्स। ठीक है, जब आप कस्टम सेगमेंट्स बनाते हैं वो आपको कस्टम के अंदर शो हो रहे होते हैं, बट हमने कोई बनाया नहीं इसलिए मैं शो नहीं हो रहा। अब द क्वेश्चन इज कि हम नया सेगमेंट कैसे बनाएंगे। नया सेगमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि नया सेगमेंट बनाना क्यों है। नया सेगमेंट इसलिए बनाना है, हम कोई ऐसी चीज देखना चाह रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मसाल के तौर पर मैंने देखना है वो तमाम यूजर्स जो कि सिर्फ एंड्रॉइड या iOS यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं। अब वो मैं यहाँ पे सर्च करूँ मुझे मिल नहीं रहे। यहाँ पे जो आ रहे हैं मोबाइल के आ रहे हैं, मानी कि दोनों के बता रहा है कि एंड्रॉइड iOS दोनों के बता रहा है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के देखे हैं, मैंने सिर्फ iOS के यूजर्स देखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू कस्टम सेगमेंट क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं न्यू सेगमेंट पर क्लिक करूँगा, जब मैं न्यू सेगमेंट पर क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ मैंने क्या चीज को मार्केट करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेमोग्राफिक्स का सेगमेंट बनाना है तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा डेमोग्राफिक्स का। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ 18 से 24 साल के लोग कहाँ पे, जो कि अमेरिका में रहते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आई विल चूज दैट, आई विल कंटेन्स यूनाइटेड स्टेट्स। अब क्या किया मैंने, मैंने अमेरिका के कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं, लेट्स क्लिक दिस इन टू कंट्री सो दैट वी हैव मोर ऑब्जेक्टिव एंड लेट्स गो इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो 18 से 24 साल के लोग हैं उनके लिए सेपरेट डेमोग्राफ क्रिएट किया है। ये हम सबको समझ में आ गया? जी सर। जी सर क्लियर। अगर मैंने डेमोग्राफ क्रिएट करना होता, चलो मैं जल्दी से ना आप लोगों ने टिप्स देनी है। ठीक है जी सर। अब अहमद आप बताओ, अगर मैंने डेमोग्राफ क्रिएट करना है 35 से 40 साल के लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर, तो कैसे करूंगा? सर एज 34 पे चले जाएंगे, लोकेशन में हम सिटी पे क्लिक कर सकते हैं और उसमें न्यूयॉर्क कर लेंगे। शाबाश, वेरी गुड आंसर, न्यूयॉर्क। शाबाश, गुड आंसर सम्मत। आपके बाप बताओ, अगर मैंने मिसाल के तौर पे टारगेट करना है 65 प्लस लोगों को जो कि वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, जो कि इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं कैसे करूंगा? सर, मैंने 65 को टारगेट करना है तो कैसे करूंगा? 65 प्लस को सर क्लिक करेंगे तो लोकेशन में सिटी और सिटी का नाम लिख देंगे वाशिंगटन। सर ये प्रॉपर स्टेट है, मैंने टारगेट करना है सिर्फ फीमेल्स को शो करना है। फीमेल्स को क्या कह रहे हो? हाँ जी, तो ऊपर जेंडर भी लिखे हुए सर, मेल फीमेल, आप इसमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं, किसी चेक बॉक्स को। गुड गुड गुड। अगर मैंने लैंग्वेज पे लगाना कि सिर्फ मैंने स्पेनिश बोलने वालों को टारगेट करना, तो कैसे करूंगा? इसके नीचे सर कंटेंस लैंग्वेज के आगे लिखे हुए, इसके ऊपर ड्रॉप डाउन मेनू आएगा सर, इसमें जो लैंग्वेज भी अगर हैं तो उनमें से सिलेक्ट। शाबाश शाबाश,
शाबाश। अच्छा आपके कोई क्वेश्चन पूछने वाले थे बताओ? नहीं सर, क्लियर हो गया अभी। शाबाश। अच्छा नाउ गाइस, बिल्डिंग ऑन दिस, हम लोगों को डेमोग्राफ पे सेगमेंट बनाना आ गया सब दोस्तों को? जी सर। जी सर। अच्छा जी सर। अब मैंने मैंने बनाना ही नहीं है डेमोग्राफ, मैंने बनाना टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा? टेक्नोलॉजी को क्लिक, टेक्नोलॉजी पे क्लिक। अच्छा अब मैंने इस पे iOS को टारगेट करना है, क्या करूंगा मैं? मैं चाहता हूँ सिर्फ एप्पल वाले लोग आए मेरे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम ओके, यहाँ पे जाके क्या करूँ मैं? iOS। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे iOS के अंदर मैंने उन लोगों को कहना है जिनके पास लेटेस्ट iPhone हो, तो क्या करूंगा मैं? कोई बात नहीं। माशाल्लाह आप सब लोगों को टेक्नोलॉजी का डेमोग्राफ भी क्रिएट करना आ गया, और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का भी सेगमेंट क्रिएट करना आ गया, टेक्नोलॉजी का डेमोग्राफ भी क्रिएट करना आ गया। ऐसे ही है, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर है सर। शाबाश शाबाश। अगर मैंने इनका दोनों का नहीं करना, मैंने क्रिएट बिहेवियर करना है, उसमें मुझे कौन बताएगा? बिहेवियर को चेक करेंगे। आगे आगे करूंगा मैं सेशंस। ठीक है, सेशन क्या कह रहा है मुझे कोई बताएगा? सेशन क्या, एक्सप्लेन कह रहा है? ये टाइम लैप्स जो यूजर हमारी वेबसाइट पे गुजार रहे सर। गुड गुड शाबाश। अब मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1, तो इसका क्या मतलब है? एक सेशन ये तो सर यूनिट साथ में नहीं है, मिनट होगा या फिर सेकंड होगा? मिनट। चलिए मुझे बताएं जो बात मैंने बताई ठीक है या गलत है सर? सॉरी कौन सा, आपकी कौन सी बात मुझे समझ नहीं आई? सेशन को मैंने बताया कि जो जो यूजर हमारा टाइम लेते हैं वेबसाइट के ऊपर जो गुजारते हैं इसे बोलते हैं। हाँ जी, हर दफा जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट पे थोड़ी देर रुकता है तो एक सेशन आपका होता है। वो अब वो सेशन ड्यूरेशन होती है, वो आपकी वेबसाइट पे कितनी देर के लिए रुकता है। तो बाय डिफॉल्ट इधर सर यूनिट सेकंड होगी या मिनट्स में होगी? ये यहाँ पे ये है कि वो आपकी वेबसाइट पे कितनी दफा आया है। अगर मैं इधर लिखता हूँ 3 दफा, तो उसने 3 दफा सेशन किया। ठीक है, अब इसको सीधा समझाओ। ये तो लिखा हुआ डे सिंस लास्ट सेशन, अगर मैं इधर लिख देता हूँ 30 दिन, तो इसका मतलब ये है कि हर वो बंदा जो 30 दिन पहले आया था मेरी वेबसाइट पे उसको डेटा अलहदा कर दो। ठीक है, अगर मैं ट्रांजैक्शंस पे लिख देता हूँ अमाउंट, तो इतने पैसे उसने लगाए हो तो उसे ये मुझे डेटा अलहदा करके दे दो। जी अगर मैं लगा देता हूँ सेशन ड्यूरेशन के आगे 1 मिनट, तो इसका मतलब है 1 मिनट उसने मेरी वेबसाइट पे गुजारा हो तो भी आपने उसे दिखाना है मुझे। ठीक है सर, क्लियर। ये आपको बिहेवियर समझ में आ गया आपके? जी सर, सबसे पहले सेशन में आपने बताना है कि कितनी बार उसने विजिट किया, फिर लास्ट सेशन का जो लास्ट टाइम उसने विजिट किया है और कितने दिन बाद दोबारा विजिट किया। इन सबको फिल करना लाजमी नहीं है, बेसिकली आपने बस वो चीज फिल करनी जिस चीज का डेटा अलहदा करना चाहते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को टारगेट करूँ जिन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर का ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, तो आई डू इज आई राइट वन हियर। अब क्या होगा, वो तमाम लोग जिन्होंने एक ट्रांजैक्शन किए लास्ट दिनों में, उनका डेटा अलहदा हो जाएगा और 2.53% है। समझ आ रही है सब दोस्तों को? जी सर। जी सर। गुड, तो कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट करने आ गए हैं? जी सर। जी सर। गुड, तो इसका मतलब ये है कि आप सब लोग कस्टम सेगमेंट्स में डेमो क्या कहते हैं अलग अलग के ऑडियंस डेमोग्राफ भी खुद क्रिएट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का डेमोग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो, और यूजर बिहेवियर का डेमोग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही है? जी सर। जी सर। यस। गुड, शाबाश शाबाश। आप लोगों ने डेमोग्राफ क्रिएट करने हैं, उनकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे बॉक्सेस में ऐड करनी है। मैं आपको एक क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ, जस्ट सो यू गाइस कैन से कि ये ना कहो कि मैंने सिखाया नहीं है। चलो एक हम डेमोग्राफ में आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमने iOS की बात की थी, हम इसका नाम रख देते हैं iOS ओनली। ठीक है, इसको मैं भी यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ iOS को, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ है, उसने मुझे डेमोग्राफ अलग अलग दिखा दिया।
iOS علیحدہ ہو گیا ہے, all users علیحدہ ہو گئے ہیں. اب اس میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ آئی فون یوزرز جو ہیں انہوں نے کتنی پرچیسنگ کی ہے, انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے, انہوں نے کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے, اوور آل یوزرز نے کیا دیکھا ہے, کیا کیا میرا ویب سائٹ جو ہے آئی فون یوزرز زیادہ اس پہ پرچیز کرتے ہیں بنسبت نارمل یوزرز, ان سب چیزوں کو میں یہاں سے پھر ڈیٹرمن کر سکتا ہوں. یہ سر میں آ رہا ہے آپ سب دوستوں کو؟ جی سر. آپ اس کے اسکرین شاٹ بناؤ گے اور اسے پھر آپ یہاں پہ پٹ کر دو گے. ایک غلطی میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے, کوئی مجھے بتائے گا میں نے یہاں پہ کیا غلطی کی ہوئی ہے؟ جی سر, آل یوزرز بجائے نیو یوزر. شاباش, گڈ. میں نے یہاں پہ اول یوزرز کلک کیا ہوا تھا بٹ وہ یہاں پہ آیا نہیں, تو میں دوبارہ سے کروں گا تو یہاں سے صحیح آئے گا میرا. یہاں سے میں ہٹاؤں گا. ٹھیک ہے گائز, اب یہ میں آئی او ایس یوزرز آ گئے ہیں, یہ میں اولڈ یوزرز آ گئے 100% کے ساتھ. اور اس سے ہمارا ایک کسٹم سیگمنٹ کریٹ ہو گیا اور یہ ہمارا فورتھ جو پارٹ ہے سیگمنٹیشن کا وہ ہم نے سیکھ لیا. ابھی کسی کو کوئی کوئسچن ہے, کوئی ایشو ہے تو کائنڈلی پوچھ لیں. نو سر. گڈ گڈ. یہ سب کو دکھائی دے رہے نا؟ جی سر, ہاف اسکرین ہے ابھی. گڈ. اوکے جی, ابھی نظر آ رہا ہے. گڈ گڈ. تو آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اول یوزرز, آئی او ایس یوزرز, اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی شو ہو رہی ہیں. اور یہ میں اس کو مار دوں گا. اچھا یار, آگے چلتے ہیں. ہمارا یہ جو پارٹ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. لاسٹ پارٹ ہے ہمارا انالیسس کا, سجیشنز کا. کس چیز کا پارٹ ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ مجھے کوئی بتائے گا انالیسس سجیشنز کیا ہوتے ہیں, ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ جو چیزیں ہم نے پیچھے آبزرو کر لی ہیں سارے ڈیٹا کے تھرو, تو ان میں سے اگر کوئی امپروومنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے. ویری گڈ آنسر. جی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی, ویری گڈ آنسر. اب جیسے کہ ڈیفائن کیا ہم نے ابھی تک, جتنا بھی ڈیٹا ان پٹ نکالی ہے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اینالائز کرتے ہیں اور سجیشنس دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگا. اب اس کو ایک بار اسٹڈی کرتے ہیں. ایگزسٹنگ ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں پارٹ ون کے, آپ نے جو اینالائز کیا تھا بزنس کا, آپ ریکمنڈیشنز پرووائڈ کریں کہ ورائٹی آف ویز میں کہ گوگل جو ہے اینالٹکس ڈیمو کا اکاؤنٹ جو ہے یا آپ کا اپنا اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے کہ کوسٹ ریونیو ریٹرن آن ایڈ اسپینڈ کیمپینس کے لیے آپ اسے 20% گروتھ کیسے لا سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کریں گے ای کامرس کے چینجز جو ہیں جن کی مدد سے بزنس بہتر ہو سکتا ہے, اور یہ بتائیں کہ اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی اسٹیک کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں یوز کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس والے کو یوز کر سکتے ہیں, یوڈیسٹی جی ایس ایم ایجنسی کو. ٹھیک ہے, اس کو کلک کر دیں گے, اس طرح یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کو اس میں سے ڈیٹا مل جائے گا جو آپ کو چاہیے. میں آپ کو اس پہ جلدی سے ایک بار اس کا اوور ویو دکھا دیتا ہوں. آپ نوٹس کریں گے کہ یہ ایک کمپنی کا سیلس فنل کا نا کیس اسٹڈی کیا ہوا ہے یوڈیسٹی والوں نے. ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سی والی جگہ پہ کنورژن کتنی آ رہی ہے, کون سی کہاں پہ کوسٹ ہے, ویوز کہاں پہ کتنے پڑ رہے ہیں, کلکس کہاں پہ, کنورژن کیا ہے, ریونیو کتنا ہے, ریٹرن آن ایڈ اسپینڈ کیا ہے. اچھا, ریٹرن آن ایڈ اسپینڈ کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ جو ہم ایڈ لگا رہے ہیں سر, ان کے ایڈز ہمارے لیے کتنے کسٹمر جنریٹ کر رہے ہیں یا کتنے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. شاباش شاباش, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے یعنی کہ جتنا پیسہ لگایا اس پیسے کے بدلے میں وہ کتنا ریٹرن آیا نا, وہ آپ کو آر او ایس کہلاتا ہے, ریٹرن آن ایڈ اسپینڈ. گڈ آنسر. اوکے, ناؤ یوزنگ دس شیٹ نا آپ ان کے کوشچنس کو بہت ایزیلی آنسر کر سکتے ہیں. یو گائز ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ٹو ڈیل, کیا کہتے ہیں, مسٹ مور ریسرچ ریگارڈنگ دس. ناؤ لیٹ می گیو یو اے کوئک ایگزامپل آف دس, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اس فوٹو کو یوز کرتے ہیں. Okay, now let me put it here.
अगर आप लोग अपना डेटा यूज करें तो आप उसे भी इधर पोर्ट कर सकते हैं जिस तरह का फॉर्म था, बट मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ जो कि उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि इससे ना आपका आंसर जो है ज्यादा इजीली आ जाएगा, आपको खुद से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग अपना डेटा भी यूज कर सकती हैं, ठीक है। यही पिक्चर कहाँ से ले सकते हैं? ये मैंने अभी तक आपको दिखाया था, वो तो मिल गया लेकिन हमारे पास कहाँ से आएगा? अगर अच्छा तो अगर आपने अपना डेटा निकालना है तो आप बेसिकली गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स में जो आपका खुद का अकाउंट है उसके अंदर से आप ये वन बाय वन निकालेंगे, आपने जो जो चीजें रन किया, जो हमने भी चीजें देखी हैं, उनसे ये चीजें निकालेंगे कि आपका एड्स कितनी लगी हैं, आपका कन्वर्जन रेट क्या है, रेवेन्यू क्या है, रिटर्न ऑन स्पेंड क्या, ये सब कुछ एनालिसिस में मिल जाता है। ये तैयार हम अगर लगा ले सर तो मसला तो नहीं होगा जी भाई? ये जो तैयार आपने लगवाया है ये सोलर कुछ कंपनी? जी जी आप ये लगा सकते हैं, मैंने आपको इसलिए तो दिखाया। अगेन सारों का सेम आएगा सर? मैंने बताया सबका सेम आएगा, इशू नहीं है, एस लॉन्ग एस आप लोगों का काम यूनिक है ना, इशू नहीं आएगा। ठीक सर। और ये हमें काम तो मिलेगा सर, ये डाटा इनसाइट्स वाले में चैप्टर में आएंगे ना, तो यहाँ पे जब आप चैप्टर में 5 खोलेंगे वहाँ पे ये लिंक डाली हुई है 2021 GSM 16 YouTube AdSense Funnel Campaign Pitch Deck की, इसका क्लिक कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, ये आपके पास खुल जाएगा इस तरह। यही हम स्क्रीनशॉट लगा के वो वहाँ पे डाल लेंगे सर। हाँ जी ठीक है जी सर, गुड। अब जरा उनके क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन था उनका, कि उनका क्वेश्चन था कि कॉस्ट रेवेन्यू आरएस को देखें कैंपेन्स के हिसाब से और डिटरमिन करें कि आप 20% ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। चलें इस चीज को देखते हैं, भाई खुल जाओ, जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिख के भेज देता हूँ। अच्छा गाइस, मैंने भी नोटिस किया हमारा जो क्लास का ऑफिशियल टाइम था ना वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी, तो अगर आप में से कोई लोग जाना चाहें तो यू गाइस आर फ्री टू लीव, बट अभी मैं आपको मशवरा दूंगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, हमारा काम कंप्लीट हो गया, मैं विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स में ये लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ। ओके okay. अच्छा हमने क्या यूज करना है, कोर्स को यूज करना है, रेवेन्यू को यूज करना है, ROAS को यूज करना है और डिटरमिन करना है कैंपेन्स में से हम 20% ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। ठीक है चलो अब देखते हैं इसे, ये हमने कैंपेन्स लॉन्च किए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, आप सबको दिखाई दे रही है जी सर, गुड। अब इनमें बताएं सबसे ज्यादा कॉस्ट किस कैंपेन की है? सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर इसकी है, नो सर थर्ड नहीं है सॉरी थर्ड तो नहीं, फोर्थ वाला, मुझे अभी तक स्क्रीन नहीं दिख रही। सब्सक्राइबर सर जी 16 सब्सक्राइबर डिस्कवरी कीवर्ड कॉस्ट पर वॉल्यूम, ये जो ना इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है जी 4344 ओके। अब अगली चीज हमने देखनी है रेवेन्यू सबसे ज्यादा किससे आया है, हमें रेवेन्यू हमें सबसे ज्यादा सर ये किससे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन एड स्पेंड कहां से मिला है हमें? ये सर सोलर लीड्स इन स्ट्रीम, गुड। कितना हमें रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिला है? 6.2 गुड गुड। अच्छा ओ, ये बताएं कि हमें इस पे रेवेन्यू कितना मिला है? 10,957.48 शाबाश। और पैसे कितने लगाए हमने इसके ऊपर? हमने लगाए थे सर $1,760 सर। गुड गुड। चलो अब एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी सर? यस ओके ओके। अच्छा हम जरा कुछ चीज एक और कैलकुलेट करते हैं, अब ये इन दोनों से हमें फायदा हुआ है, इन दोनों ने हमें कन्वर्जन ला के दी है राइट, इसने इसने कन्वर्जन बिल्कुल ला के नहीं दी, इसने कन्वर्जन ला के दी है बट रिटर्न नहीं मुझे मिला कोई, ऐसे ही है उसने जितनी हमें कॉस्ट पड़ी है उसका हमें पैसे नहीं वापिस हुए। अब जरा इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, इसका 270 हो गया
270 plus 920 plus 323 टोटल बन गया $1,513 ठीक है. दिस इज अ गुड अमाउंट. तो हमने जो बाकी कैंपेन्स में पैसे जाया किए हैं बिलखसूस इस वाली कैंपेन के ऊपर, अगर हम ये वाला पैसा इस वाली कैंपेन में लगा दें और ये जो पैसे हैं हम इस वाली कैंपेन में लगा दें तो क्या हम ग्रोथ नहीं कह सकते? कर लेंगे सर ग्रोथ पर तो डेफिनेटली. ये हमने कैसे रिड्यूस किया कि हमें ये इससे फायदा होगा? हमने भी इधर भी ए बी टेस्टिंग के लिहाज से किया है, हमने मल्टीपल कैंपेन लॉन्च की, हमने देखा यार ये वाली कैंपेन ने फायदा दे दी, ये वाली कैंपेन ने फायदा नहीं दे दी है, तो हमने अगले साल क्या करना है, हमने उनके पैसे निकाल के इनके अंदर डाल देने हैं कि ये चीजें फायदा नहीं दे, इनको खत्म को, ये जो चीज फायदा दे रही, जो चीज चल रही है इसमें पैसा डाल दो. और ए बी टेस्टिंग यस सर. Concept समय आ रहा है आप लोगों को? जी सर. जी सर. Good. Now let's get back to the question. Using the cost, revenue and return on ad spend for campaign, determine how you would be able to achieve 20% growth. We can see that some of our campaigns are not working well. So what we will do is we will use this budget, this cost amount, and allocate it into the campaigns that are working well, as such as solar subscribers and solar leads, and by doing that we will be able to increase our profit by 20%. ये आंसर सबको समझ में आ गया? जी सर. किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर. गुड गुड. अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ई कॉमर्स चेंजेस दैट कुड बी यूज्ड टू इंप्रूव द बिजनेस. ई कॉमर्स चेंजेस बताएं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं. सेम वही बात है, आप इस प्रेजेंटेशन को रीड करोगे और इसको रीड करके आप डिटरमिन करोगे आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस बेहतर होगा. इसके अंदर बहुत आराम से लिखा हुआ है अगर आप इसे एक बार स्टडी करोगे, बट मैं वो बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आप सबका फिर आंसर सेम हो जाएगा. ठीक है समझ में आ गई बात? ठीक है. तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी स्टैक जो है उसे अपडेट कैसे करोगे? टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है किसी को पता है? नो सर. ओके सर यही मेरा क्वेश्चन. ओके ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके तो बेसिकली ना तमाम कंपनीज जो हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं टू फंक्शन. मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो, कैनवा और इसके अलावा कोल्ड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइन के लिए. वेबसाइट के लिए हम लारावेल और वर्डप्रेस शॉपिफाई यूज करते हैं. आपस में बातचीत करने के लिए हम स्काइप और व्हाट्सएप यूज करते हैं. और उसके अलावा हमने जब कस्टमर से बातचीत करनी तो हम ईमेल यूज करते हैं, जीमेल. जब हमने कोई मीटिंग सेटअप करनी है तो हम क्लेंडली यूज करते हैं. जब हमने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वीडियो जल्दी बनानी है तो हम सिंथेसिया यूज करते हैं. तो ये हमने जो आपको टेक्नोलॉजीज बताई हैं ये सब चीजें मिलके मेरा टेक्नोलॉजी स्टैक बनता है. ये बात समझ में आ रही है आपको सर? जी सर. जी सर. परफेक्ट. तो इसे टेक्नोलॉजी स्टैक कहते हैं. अब हमने उसी तरह इसको देखना है, ये जो कैंपेन है इसके अंदर इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी स्टैक बताया हुआ है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं. ठीक है, आप इनकी प्रेजेंटेशन को देखो पता चल जाएगा. अगर नहीं तो चलता तो अपने लिहाज से भी आंसर कर दो. ठीक है, आपकी कंपनी अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, अगर आपने इसे अपडेट करना है तो आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मजीद लेके आओगे? कोई भी नई टेक्नोलॉजी ऐड कर तो आपका टेक्नोलॉजी स्टैक अपडेट हो जाएगा. मिसाल के तौर पे सिंथेसिया एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा क्या कहते हैं सर्फ एसईओ एक नई टेक्नोलॉजी है, एआई टूल्स एक नई टेक्नोलॉजी है. तो इस तरह के नए टूल्स अपने स्टैक में ऐड कर दो कि आपका टेक्नोलॉजी स्टैक जो है अपडेट हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? उसमें वो डाल दो, मैं एसईओ के लिए ये टूल यूज करता हूँ उसमें नया कोई टूल आया तो वो ऐड कर दो. तमाम टूल्स आपने लिस्ट करना जो अपनी कंपनी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं. ये समझ में आ गया आंसर क्वेश्चन आंसर आपको? जी सर. पोटेंशियल अचीव 20% ROI सेल्स ग्रोथ. ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमने जो ईयर ऑन ईयर सेल है उसे हम कैसे 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं. याद है आपको आंसर?
जी सर गुड आगे एग्जैक्टली हम क्या करेंगे हम दूसरी कंपनियों से जो पैसे जाया हो रहे हैं वो इसमें डाल देंगे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है अच्छा अगला क्या कह रहा है वो हमें okay now evaluate the current state of e-commerce of your business and how it will be improved looking at your website web pages google merchandise store current e-commerce experience identify one change to the e-commerce user experience what additional e-commerce options you would recommend implementing ab isme humne basically batana hai ki aapka jo current e-commerce store hai use kaise behtar karoge humne pehle discuss kiya tha hamare home page mein wo time lag raha hai हमारा अलग अलग करे सर्च में बहुत टाइम लगा है तो एक सजेशन ये हो सकता है कि हम अपने होम पेज का डिजाइन यूएक्स एक्सपीरियंस इस तरह का बनाएंगे ताकि लोग जल्दी से जल्दी अपनी जो चीज ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल जाए उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो पेज लोड में टाइम कम लगे और डिजाइन जो आई प्लीजिंग हो दूसरा हम इसमें दूसरे चेंजेस ये कर सकते हैं हम सर्च को बेहतर कर सकते ताकि लोग जो ढूंढना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए ये वाला क्वेश्चन आंसर समय आ गया आपको जी सर सर ये डेटा के लिए जो हमने अभी स्लाइड में देखे उसके लिए बताना है ना सर जी जी अच्छा यहाँ पे ना ये जो आप लाजमी नहीं है आपने ये वाला यूज करना है आप लोग अपनी वेबसाइट के हिसाब से भी यूज करके बता सकते हो ठीक है अगर आप गूगल मर्चेंडाइज का सोच रहा है तो आप कैसे करते हैं काम ओके बड़ी ठीक है जी सर ओके ओके लास्ट पार्ट क्या है इसका लास्ट पार्ट ये है टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपने अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक को बताना है ठीक है ये मैं आपको पन्ने दिखा देता हूँ नाउ यू विल लुक एट योर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी स्टैक एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर अभी आप अपनी करंट टेक्नोलॉजी स्टैक को देखेंगे और फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशन देंगे जिनमें दो एडिशनल टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जो आप करंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे एक टेक्नोलॉजी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हो इसे आपने अपने बिजनेस में यूज करना है और बहुत एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और स्टैक को अपडेटेड को आपने ऐड करना है इसके लिए एक लिस्ट उन्होंने ऐड की हुई है अपनी जो टेक्नोलॉजी का स्टैक है उसे एक स्क्रीनशॉट के अंदर नीचे डिफाइन करें हो एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऐड करें हो एक न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करें आपकी टोटल स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी 10 से कम ना हो ठीक है ये उनका टोटल पॉइंट है अब टेक्नोलॉजी स्टैक्स में आ रहे हैं आप नोटिस करें जी एस एम टेक्नोलॉजी स्टैक ईयरली कॉस्ट मंथली कॉस्ट मार्केटिंग चैनल्स ईयरली कॉस्ट मंथली कॉस्ट ट्रेनिंग ईयरली कॉस्ट मंथली कॉस्ट शुक्रिया आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है यहाँ पे आ गया नाउ टेकिंग दिस डेटा आप लोगों ने क्या करना है आपने देखना आप कौन कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं मिसाल के तौर पर मैं ब्लू हाउस को यूज कर रहा हूँ तो मैं इसे अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक में ऐड कर दूंगा मैं गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करूँ मैं इसे ऐड कर दूंगा मैं जूम को यूज़ कर रहा हूँ हूटसूट को यूज़ कर रहा हूँ तो जिस जिस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ ना उन सब चीज़ों को मैं अपने टेक्नोलॉजी स्टैक में ऐड कर दूंगा और जिन चीज़ों को मैं लेके आना चाह रहा हूँ इमर्जिंग में उन्हें मैं ऐड कर दूंगा इनके सिर्फ नाम लिखने सर और बस नाम लिखने कॉस्ट भी लिख लो एक्स्ट्रा नंबर्स के लिए बट आपने बेसिकली 10 टेक्नोलॉजीज बतानी है कम अज कम एक टेक्नोलॉजी आपने नई बतानी जो अभी भी मार्केट में आई है वो एक आपने बतानी जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो ठीक है ओके यस ये आप जब कर लोगे तो इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपने पांचों फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं कोई क्वेश्चन है गाइस कोई भी इशू है तो नाउ इज योर टाइम अगले 10 मिनट से सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए हैं बस कल से प्रोजेक्ट पर लगेंगे सर क्वेश्चन आंसर जनरेट होंगे फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगर ना डेफिनेटली डेफिनेटली ओके देन आई गेस दिस इज इट देन आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया टेक केयर एवरीवन अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज सर